जी बिल्कुल। तो हंटिंग में हम देख रहे थे कि कोई ऐसी प्रोडक्ट हमने तलाश करनी है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सके, जिस प्रोडक्ट से हम ज़्यादा नफ़ा कमा सकें, और वो जो नफ़ा देने वाली प्रोडक्ट होगी वो किस बुनियाद पर हमें नफ़ा देगी और क्या कुछ हमने उसमें देखना है। कौन सी फाइल भेजी है, किस में भेजी है, आपने बता रहे थे आप। जी फारूक भाई, मैंने भेजी है। जी गुड हो गया भाई। नाम क्या है भाई आपका जिसने भेजी है ये, 1 मिनट। जी हाँ, मेरा नाम अदील हैगा। ये एनेबलर्स की हमारे जो क्राइटेरिया जो उन्होंने सेट किया यूके का, उसके मुताबिक ये ऊपर इसके जो है ना फिफ्थ कॉलम में इसके बारे में लिखा हुआ भी, अच्छा अच्छी माशाल्लाह ये बनाई हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी तो हम करते हैं स्टार्ट, और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और क्राइटेरिया पढ़ते हैं इसका, और फिर बाकी बातें जो चीज़ें हैं देखते रहेंगे। जी पढ़े भाई एक बंदा कोई, और वो पढ़े जो पहले कभी नहीं पढ़ता, पार्टिसिपेट नहीं करता, और आवाज़ अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए स्टेप बी फोर गौहर एनालिसिस। भाई आपका माइक नहीं है ना। मैंने तो हंटिंग लगाया है। आपको शोर आ रहा है यार, जी कोई और सर, बंदा पढ़ दे जिसका कोई और, शोर ना कोई और रहे, बोल। या शायद आप मेरी तरफ से मैं पूरा लगा जिसका। मैं पढ़ दूँ तो मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी आवाज़ ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक है जी। एनेबलर्स का प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएसए, इसके सबसे पहली हेडिंग में हमारे पास स्टेप्स दिए हुए हैं। जी स्टेप फारूक जी, जो आवाज़ है मेरी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है ठीक सबको? जी ठीक आ रही है जी। मलिक जी क्या ठीक कह रहे हैं आप। जी पढ़ें भैया। जी। हम इसके तीन स्टेप्स हैंगे। फर्स्ट स्टेप में सॉर्ट बाय रेवेन्यू हाई टू लो। सेकंड सेकंड स्टेप में रिमूव इररिलेवेंट नीश अगेंस्ट योर कीवर्ड। थर्ड में अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट हैज फर्स्ट सेलर। अच्छा, सेकंड हेडिंग में हमारे पास एनालिसिस क्राइटेरिया है दिया हुआ है।
इसमें हमारे पास सात स्टेप्स मुझे नजर आ रहे हैं इधर। फर्स्ट स्टेप में एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर्स, इसमें 1500 1500 एवरेज रिव्यूज होने चाहिए। और सेकंड में हमारे पास सर्च वॉल्यूम कम से कम 12000 होना चाहिए जंगल स्काउट और हीलियम 10 में। थर्ड पॉइंट में हमारे पास एवरेज सेलिंग प्राइस $14 टू $39.99 होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट एवरेज 10th सेलर सेलिंग मोर देन $15,000। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास एमेजोन एज सेलर नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10 जंगल स्काउट एंड एक्सटेंशन में हम ये इसकी जो है जंगल स्काउट एक्सटेंशन में हमारे पास ये नजर इसे हम चेक करते हैं। अच्छा सिक्स पॉइंट में ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10 जंगल स्काउट एक्सटेंशन। अच्छा सेवन पॉइंट जरा इसकी इसको जरा ना आसान अल्फाज में उर्दू में बताते चलें, फिर सारा मिक्स ना हो जाए, सारी आवाम के साथ चलाना है ना, इजी इजी करके चलेंगे तो फिर इजी रहेगा हमेशा के लिए। कहीं से भी अगर हम जंप कर गए तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा सीन। जी अच्छा फिफ्थ पॉइंट में हमारे पास अमेज़न जो है वो टॉप सेलर सेलर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, वो टॉप 3 सेलर लिस्ट में हमारे पास अमेज़न नहीं होना चाहिए। अच्छा ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप 10। फारूक भाई इसको आप डिफाइन करें ये वाला पॉइंट। कौन से वाले को? ये नंबर 6 को, ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड एनालिसिस क्राइटेरिया में 6 पॉइंट ब्रांड डोमिनेशन। इसका मतलब सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? सर मैं कर दूं? अच्छा करें, इम्तियाज साहब कर दें। इसमें ऐसा है, करें जी करें, कि ब्रांड डोमिनेशन ये होता है कि कोई भी एक ब्रांड आपकी टॉप 10 की लिस्टिंग्स में 3 बार नहीं आना चाहिए, 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। और अमेज़न डोमिनेट ये होता है कि अमेज़न 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। ठीक है जी क्लियर हो गया है ब्रांड डोमिनेट। ठीक है आगे चलें। नहीं समझ नहीं आई सर, यार रिपीट कर दें। ब्रांड डोमिनेट, ब्रांड डोमिनेंसी ये होती है कि कोई भी एक ब्रांड टॉप 10 लिस्ट जो टॉप 10 के सेलर्स हैं उनमें 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। और अमेज़न डोमिनेंट ये होता है कि अमेज़न मतलब जो टॉप 10 सेलर्स बैठे हैं उनमें अमेज़न 3 से ज्यादा बार ना बेच रहा हो, 3 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए अमेज़न, और ब्रांड भी 3 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए कोई भी ब्रांड। मैं करके दिखाता हूँ, टेंशन ना ले मैं दिखाता हूँ। जी जी फारूक साहब आप ये दिखा दें और समझाने का मकसद साथ में मैं बता भी देता हूँ। ये इसकी वजह ये है कि उसकी सस्टेनेबिलिटी बाकी सबसे ज़्यादा है, वो कोई भी प्रोडक्ट की लोएस्ट प्राइस को लॉन्गर टाइम के लिए सस्टेन कर सकता है। तो जहाँ आप देखें कि अमेज़न ज़्यादा है वहाँ पर आप यू शुड अवॉइड दैट प्रोडक्ट। जी अब्दुल्ला भाई जरा देखें इसमें ना, ये ब्रांड का ये रॉ ब्रांड की आ रही है, ये वाली यहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है ना, ये वाला यहाँ कर्सर घुमा रहा हूँ, ये ब्रांड की है। ठीक है तो ये नीचे देखें। हाँ जी सर, सर ये देखना इसमें मतलब ये ब्रांड जो है ना सेम, ये ओग्जो पड़ा है,
ये मतलब तीन टाइम नहीं होना चाहिए, अमेजोन अमेजोन नहीं होना चाहिए टॉप टेन में। और एक और चीज करते होते हैं ये एसपी लिखा हुआ है, ये एसपी से मुराद ये स्पॉन्सर है, ये नजर आ रहा है लेफ्ट पे जहाँ प्रोडक्ट डिटेल लिखी हुई है ये वाली, इसके नीचे एसपी लिखा हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड से मुराद के इन्होंने पीपीसी चलाई हुई है जी। स्पॉन्सर्ड का उर्दू में मतलब बनता है कफील, यानी ये अमेजोन की कफालत में है ये प्रोडक्ट, और अमेजोन को ये फी पीपीसी चला के चार्जेस पे कर रहे हैं, और अमेजोन इनको धक्का लगा के ऊपर अपना फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर पे ले आया है अपनी कफालत में, ठीक है ना। तो ये चीज है तो सर जब टॉप टेन में हम देखेंगे तो इन चार को फिर छोड़ देंगे, नेक्स्ट सिक्स और फर्दर चार को ऐड करके टॉप टेन में कंसीडर करेंगे जी जी जी। और जब ये करते होते हैं सबसे पहला काम हम इस पेज की पे आके ये करते हैं कि ये जो एसपी होता है आपका स्पॉन्सर्ड होता है इसको डल करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी डल कर सकते हैं, ये ऊपर बिन पड़ी आपकी, इधर क्लिक करें, इधर बिन करेंगे तो डल हो जाएगा, या फिर ये फिल्टर में जाएं, यहाँ ये फिल्टर कीफ लगा हुआ है, ठीक है ना। कीफ समझते हैं सारे जी, कुपी कुपी कहते हैं जी उर्दू में उसको, बता दें क्या है जी। कुप्पी भी कहते हैं, घेरनी भी कहते हैं, और कीफ भी कहते हैं, और जिससे बोतलों के अंदर कोई ऑयल वगैरह या कोई लिक्विड हम डालते हैं कि ऊपर चलो उसका जो है ना स्पेस बढ़ जाती है उसके ऊपर जी। है बिल्कुल पीटर दे डीजल पाउंड वाला वही कर ले, ये जनाब फिल्टर है, यहाँ से कीफ ये फिल्टर करेंगे, ठीक है। फिल्टर में जनाब यहाँ ये नीचे पड़ा है हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिजल्ट्स, इस पर करेंगे क्लिक। ये नजर आया सबको जहाँ ये कर्सर घुमा रहा हूँ जी सर, जी सर, जी सर। ये कर्सर घुमा के मैं एक एक चीज इसलिए दिखाता हूँ कि ये फिर नजर नहीं आती, तलाश करने से भी नजर नहीं आती बाद में नए बंदे को, ठीक है। तो ये आप करेंगे क्लिक इसको, और जब ये अप्लाई फिल्टर करेंगे पहले उनको जनाब ये देखें वो उड़ गए आपके जो थे, अगर डायरेक्ट करते यहाँ से तो वो क्लिक करके सिलेक्ट करके बिन में डालने पड़ते, इधर से फिल्टर करके हाइड करेंगे वो चले जाएंगे। अब ये है कि ये ब्रांड नंबर है, ब्रांड कॉलम है, और ये एसएन कॉलम है, ठीक है। ब्रांड कॉलम में आपने देखना है कि ये शेफ एट के नाम से है, ये शेफ एट टॉप टेन में थ्री टाइम या मोर देन थ्री टाइम ना हो, और अमेजोन अगर थ्री टाइम भी आ जाए तो फिर हम अपना बोरिया बिस्तर उठा के वापस आ जाते हैं, उस मार्केट में जाते ही नहीं है, तीन दफा ही बहुत है। टॉप टेन थ्री टाइम इन टॉप टेन, माइक म्यूट रखा करें यार, थ्री टाइम इन टॉप टेन एंड टू टाइम इन टॉप फाइव, अगर टॉप फाइव जो होंगे आपके 1 2 3 4 5 यहाँ तक, तो इसमें अगर टू टाइम आपका अमेजोन आ गया, अमेजोन के साथ ए एम जी उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, और वो अक्सर यहाँ ए एम जी ही लिखा हुआ आता है, तो हम उस मार्केट में नहीं जाएंगे जी। चलते हैं अब क्राइटेरिया की तरफ। और सर जी अगर एक दफा आया हो अमेजोन का ब्रांड तो फिर उसको उस मार्केट को हम टच करते हैं अगर एक दफा आया हो जी, अगर जेब इजाजत देती है जाना चाहिए, क्योंकि वो जो ब्लीडिंग है ना जो पीपीसी पे हमारा खर्च होना है वही ब्लीडिंग है, सबसे बड़ा खर्च वही होता है कि जब हमें रैंक करवाना पड़ता है प्रोडक्ट को जी, मतलब कि अमेज़न के मुकाबले पे आना ही नहीं बिल्कुल भी ना, एक भी हो तो टॉप टेन में तो वो उस तरफ आपने जाना ही नहीं, उस मार्केट की तरफ भाई। बेहतर यही है, इससे ऐसे आप समझ लें कि एक बंदा है उसका प्लाजा है 50 शॉप्स का, ठीक है, मतलब उसके तीन फ्लोर हैं, उसकी एक फ्लोर पे 50 दुकानें हैं, 150 दुकान है, और उस बंदे का अपना होटल है उसके अंदर उस प्लाजे के अंदर ना, और वो उसने आगे मुलाजिम रखे हुए, वो वैसे आता है जनाब टांग पे टांग रखी और गपशप लगाई, आने जाने वालों को मिलता रहा, दोस्त अहबाब वक्त गुजारा अपना। तो आप अगर उसके सामने या उसके साथ वाली शॉप में कहीं जाके उसी के प्लाजे में आप करेंगे जनाब वही चाय एक होटल या दूध दही लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, कभी कहेगा
आपके कस्टमर्स को कहेगा भाई बाइक इधर खड़ी ना करें, ठीक है, तो कभी कैसे तंग करेगा, कभी कैसे तंग करेगा, कभी कैसे करेगा, इवन कि आपको मार्केट छोड़नी पड़ेगी। इजी सी मिसाल है, समझ आई है इस बात की कि नहीं? बिल्कुल सर समझ आ गई जनाब। कभी कुछ कहेगा, कभी कहेगा जनाब आपने ये जो लस्सी बनाने के लिए मधानी यूज करते हैं आप, जूसर लगाएं, आपका बिल ऐसे लेंगे हम, आप जो है ना सब मीटर लगाएं, ये करें वो करें, मतलब तंग करेगा आपको, आने नहीं देगा आगे। बिल्कुल दुरुस्त सर, बिल्कुल दुरुस्त सर। अमेजोन के अलावा भी अगर कोई और ब्रांड 3 दफा शो हो रहा तो हम उसको मार्केट को नहीं छेड़ेंगे? जी, उसका देखना है कि वो कितना मार्केट का कितना मतलब पोर्शन लेके जा रहा है, कितना रेवेन्यू लेके जा रहा है। तो 3 टाइम है, अगर है गुजारे का बंदा है तो फिर बंदा एंटर हो जाता है। और ये है कि हमारे पास अगर सही इन्वेस्टमेंट हो फॉर पीपीसी स्पेशल। समझ आ गई ये इस बात की? बिल्कुल सर आ गई समझ। ये कहता है एवरेज रिव्यू टॉप 10 सेलर, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ एनालाइज क्राइटेरिया से, चलो ऊपर से पढ़ता हूँ। ये कहता है सॉर्ट बाय रेवेन्यू हाई टू लो, ये ऐसे करना है जी। अब ये यहाँ आते हैं हम, कौन सी मार्केट हमने ओपन की हुई थी, ये हाई टू लो ये है जनाब आपका, ये रेवेन्यू पड़ा, ठीक है, यहाँ रेवेन्यू के ऊपर लेके आएंगे, रेवेन्यू की हेडिंग पर ये बन जाएगा आपका जो कर्सर होगा वो हैंड बन जाएगा। अब हैंड बनेगा, अपने हाई टू लो करनी है, यानी ऊपर से जैसे आप कह लें कि डिसेंडिंग ऑर्डर बनेगा इस तरह ना, कि हाई टू लो जाना है हमने। सबसे ऊपर जो है हाई सेल आएगी, रेवेन्यू आएगा, फिर वो ब्रांड आएगा जो जिसने कम कमाया, फिर वो आएगा जो उससे कम, जो उससे कम, ऐसे। तो अब देखना, नज़र रखनी है फर्स्ट वन पे जो कि है 2592 है, ठीक है, मैं हाई टू लो करने लगा हूँ तो ये फिगर किस में चेंज होता है? जी, मैंने फर्स्ट क्लिक किया था वो लो टू हाई हो गया था, फिर दोबारा क्लिक किया वो हाई टू लो हो गया, पहले 2592 आ रहा था, अब 13529 आ रहा है, ठीक है, 13529। तो ये हो गया जनाब, वो उसकी शर्त है कि हाई टू लो करना है आपने इसको, जो आपकी मार्केट होगी। अच्छा जी, वो हो गई। इसके बाद वो कहता है रिमूव इररेलीवेंट नीशेज। अच्छा, इररेलीवेंट जो कीवर्ड्स जो आपके पड़े हैं, बाद वक्त आ जाती हैं इररेलीवेंट आइटम्स या प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, उसको आप कर लेंगे डिलीट, रिमूव। अवॉइड डुप्लीकेशन बाय काउंटिंग इट एज वन सेलर, ठीक है, डुप्लीकेशन से बचना है, ठीक है, जो कोई भी ब्रांड आता है। इसके बाद आगे कह रहा है कि एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर 1500 होने चाहिए, टॉप 10 सेलर्स के जो रिव्यूज हैं, एवरेज रिव्यूज टॉप के, जिसमें 300 वाले भी होंगे, 4 वाले भी होंगे, एवरेज जो है 1500 होने चाहिए। लेकिन देखेंगे, मेरे ख्याल में जो है ना, ये 1500 खैर एवरेज है क्योंकि उसमें कम रिव्यूज वाले लोग भी होंगे। तो देन वो कहता है जनाब सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 होना चाहिए जंगल स्काउट और हीलियम 10 का। देन उसके बाद वो कह रहा है जनाब के एवरेज सेलिंग प्राइस जो होगी आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस पर यूनिट जो है एवरेज होनी चाहिए 14.99 मीन 15 to $40 होनी चाहिए, ठीक है, तो तब जाके आपका सही निज़ाम चलेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ही आप $5 की, 7 की 8 की रख देते हैं, 10 under 10 की रखते हैं, तो वो आगे जब खर्चे खुर्चे पड़ने हैं तो वो काम बहुत नीचे आ जाएगा। तो सही मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जो है हमारी वो सही लेवल पे नहीं आएगी। देन वो कहता है जनाब के रेवेन्यू ऑफ 10th सेलर सेलिंग मोर देन $15,000, ठीक है, उनकी रेवेन्यू $15,000 होनी चाहिए एवरेज, 10th की बात कर रहा है 10 की। आगे लिखता है वो AMZ एज सेलर नॉट मोर देन 3 इन टॉप 10, ठीक है,
नॉट मोर देन थ्री, तीन से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए इसमें टॉप टेन में, लेकिन अगर थ्री टाइम भी है तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ब्रांड डोमिनेशन मतलब ब्रांड डोमिनेंट होता है, नुमाया ठीक है, डोमिनेशन नुमाइंदगी करने वाला, यानी कि एक ब्रांड डोमिनेशन एक ब्रांड नुमाया ना हो, नॉट मोर देन थ्री टाइम, वही बात है लिस्टिंग ऑफ सेम ब्रांड इन टॉप टेन, मतलब टॉप टेन में कोई भी जो है ब्रांड उसकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, उसकी नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए, वरना सारा जो है ना वो सेल और रेवेन्यू और सब कुछ वही ले जाएगा। जी आगे पढ़ें और ऐसे समझाते जाएं कोई बंदा, और जहां कोई होगा तो फिर उसको देखेंगे। जैन भाई पढ़ें, नंबर कौन सा पढ़ूं जी, शुरू से पढ़ूं या नंबर 7 6 से पढ़ूं? ब्रांड डोमिनेशन नॉट मोर देन 3 लिस्टिंग सेम ब्रांड इन टॉप, जी जी 7 पे हमारे पास ट्रेंड जी जी, जी क्या कह रहे हैं भाई जैन भाई? अच्छा जी, तो भाई ने कुछ क्वेश्चन किया मेरे, वो कह रहे हैं 7 से पढ़ें आप, वो आपको बता रहे थे कि यहां से पढ़ें। अच्छा, 7 से पढ़ें, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। अच्छा लिखा हुआ जी, ट्रेंडी सर्च फ्रीक्वेंसी shall be above 25 in Google Trends for 5 year Google Trends. अच्छा जी, ये चीज मैं दिखाता हूँ फिर समझ आएगी। और ये कहता है कि जो आपकी है seasonality या जो trend है इसका आपकी product का, वो Google 5 years का analysis का देखना है, 25 से जी 5 year का देखना है, और 25 से नीचे ना आए उसकी हाथ की लकीरें, वरना वो हमारी जेब के लिए मुजरे से। अच्छा, कल वो CPR का एक पढ़ा था किसी भाई ने, वो CPR मेरे माइंड से जी मैंने पढ़ा था CPR जी जी, वो थोड़ी सी उसकी गाइड कीजिएगा उसका क्या था, तो वो किस लिए या क्या होते हैं? गिव अवेज होते हैं, CPR गिव अवेज होते हैं, जो आपने एक तरह से जो आपने आपकी ब्लीडिंग होती है ना वो होता है CPR। आपने जो अपनी प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी होती है, आपने अपने प्रोडक्ट को जो रैंक करना होता है, जब आप एक प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हो तो कीवर्ड के सामने उसका CPR लिखा हुआ आ रहा होता है कि 8 दिनों के अंदर वो फ्री आपने देना है लोगों को, इतने इतने मतलब इतनी बार आपको सेल करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स, इतनी बार सेल करनी पड़ेगी फ्री में, तो वो रिकमेंडेड CPR रिकमेंडेड ये होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा CPR 300 होने चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर जो प्रोडक्ट होती है वो रिकमेंड नहीं होती, गिव अवे CPR गिव अवे इसको बेसिकली कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा जी फारूक भाई, ये चीज आप दिखा रहे हैं जी जी जी, ये है, ये आप देख लें इस तरह ऊपर इसकी, ये इसमें इसका ट्रांसटर में खुला हुआ है, लेकिन ये जब गूगल ट्रेंड में जाते हैं इसी तरह ओपन होता है, और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गूगल में आप गूगल ट्रेंड लिखेंगे तो ये गूगल ट्रेंड्स डॉट गूगल डॉट कॉम ओपन हो जाएगा, और देन यहाँ ग्लोब पे जाना है, राइट अपर कॉर्नर पर यहाँ ग्लोब पे जाके आपने ठीक है इसको करना है क्लिक, और नीचे आके आपने मार्केट सिलेक्ट करनी है, आपकी मार्केट जो भी है, आपकी मार्केट हम कर रहे हैं देख रहे हैं UK को, तो ये जनाब ये आ गया यूनाइटेड किंगडम, और इसके बाद जो है हमने यहाँ उसका देना है कीवर्ड आइसक्रीम स्कूप देते हैं, आपने किया इंटर। ये नॉर्मल हर बंदा सर्च कर सकता है ये, कि आप वो टूल के अंदर से कर रहे हैं?
हर बंदा कर सकता है भाई, हर बंदा हर बंदा कर सकता है। आप साथ के साथ करें ना, ये फरुख मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसी टूल के अंदर से तो ना इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल में एक प्रोडक्ट है, गूगल में जाके गूगल ट्रेंड लिखेंगे, आएगा, ओपन करेंगे, ग्लोब पर आपने जाके अपना कंट्री सिलेक्ट करना है, यूके मार्केट सिलेक्ट करनी है, देन आपने उसमें कीवर्ड देना है आइसक्रीम स्कूप का या हेलमेट है, जो भी आपकी वो है अपना प्रोडक्ट है उसका मेन कीवर्ड देना है। सर पास्ट 5 इयर्स का देखना होता है, वो ऊपर से पास्ट 5 इयर्स जी ऊपर मंथ है, ये पास्ट 12 मंथ लगे हुए हैं, हम 5 इयर्स कर रहे हैं, हमने 5 इयर किया, इसके मुताबिक जनाब आ जाएगी इसकी मार्केट की डिटेल कि ये क्या करती रही है। तो ये 25 से ऊपर होनी चाहिए, 25 से नीचे ना जाए इसकी जो ग्राफ है। ये अब 25 से बहुत नीचे जा रहा है यहाँ पे ना, ये देखें, मतलब ऐसे कह लें कि आप ये 55 और 45 वाला सीन चल रहा है, बिल्कुल सीजनल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये देखें एक बड़े एक गैप के बाद जाके इसमें ना बूम आता है, ऊपर जाती है, फिर उसी तरह सेम गैप के बाद जाके, और ये एक, ये दो, ठीक है, जो इसके बूम आ रहे हैं, 3, 4, 5, ठीक हो गया। तो मतलब ये साल में एक बार ही बस इसकी बूस्ट आता है और इसकी सेल चढ़ती है, डिमांड चढ़ती है, सर्च वॉल्यूम बढ़ता है, वरना ये नीचे ही रहती है। समझ आ गई इस बात की, ये जो बाकायदा एक गैप आ रहा है उसके बाद ये, तो इसको देखते हैं ऐसे, तो इस बात की समझ आ गई है। अब ये ओपन किया होगा फारूक भाई, फारूक साहब जैन मैं तुम्हें सुन बात समझ, फारूक साहब एक एक दफा ना ग्लोब पे जाएं जरा, ग्लोब पे बैक आप स्क्रीन शेयर करें, बैक जाके ना ग्लोब पे आए और ग्लोब पे आके यूके में मार्केट सेलेक्ट करके दिखाएं ताकि सारे आपके साथ आ जाएं। असल में हम लोग आपके साथ आ नहीं पा रहे हैं, जिस तरह आपने खोल लिया ना यूनाइटेड किंगडम, वहां तक हमें साथ लेके चले। दोबारा वेबसाइट ओपन कर लें, कोई इशू नहीं है, खैर है। जेले जी अब मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने टैब ही क्लोज कर दिया, गूगल ओपन किया, इसमें जनाब आपने डालना है गूगल ट्रेंड, आ गया नीचे, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स ग्राफ फॉर अमेज़न, इसमें अब ये गूगल ट्रेंड्स है, ठीक है, गूगल ट्रेंड्स पर क्लिक करेंगे, ये जो फर्स्ट है नजर आ रहा है सबको, ठीक हो गया जी, आ रहा है सर, इस पर कर दिया क्लिक, अब ये इंटरफेस सामने आएगा, अब ये जो ग्लोब है यहाँ से मार्केट सिलेक्ट करनी है हमने सबसे पहले जाके, अच्छा ये आपके पास तो आ रहा है ये वाला, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी ना पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है, उसमें से अंदर, उसके अंदर से फिर मैं यूके सिलेक्ट करवा देता हूँ। यूके यूनाइटेड अरब अमीरात के बाद एमिरेट्स के बाद पड़ा है। इसके बाद आपने यहाँ आके देना है जनाब TUMBLER टम्बलर, देखते हैं अब देखें इस मार्केट सही जा रही है, लेकिन ये पास 12 ईयर पे आएंगे यहाँ से करेंगे आप पास्ट, ये ऊपर ये जो आपका मेन्यू है ना प्रॉब्लम है, यूनाइटेड किंगडम्स हैं, ठीक है, यहाँ से आप यूनाइटेड किंगडम से मार्केट चेंज कर सकते हैं, यहाँ ऑल कैटेगरीज पड़ी है, वेब सर्च पड़ा है, ये आपका वो पड़ा है पास्ट 5 ईयर या 12 मंथ होता है। तो इसमें अब ये देखा, ये 50 से ऊपर यहाँ जा रहा है, यहाँ आके जनाब एक साल में ये नीचे है, फिर ऊपर चढ़ गया, ठीक है, 25 से ये ऊपर ही है, तो ये ठीक है, क्योंकि ये कप या गिलास या ये टम्बलर होता है तो ये चलता है, रेगुलर आइटम है। अब कुछ क्लियर हुआ है,
जी सर जी सर ठीक है सर। कुछ लैपटॉप्स के ऊपर ना कुछ चीज़ों के ऊपर मतलब पता नहीं, अब मेरे पे ना यहाँ पे ये चीज़ ना जैसे पास्ट आवर है, पास्ट फोर ओवर है, पास्ट डे है, पास्ट आवर, नीचे सबसे जाके कस्टम टाइम रेंज है। अच्छा उसको देखते हैं, वो हो जाएगा। पहले पहले यार चीज़ें ऐसे ही तंग करती होती हैं, हालांकि मसला कोई नहीं होता लेकिन उसके बावजूद करती हैं। अब ये देखें, ये फेस मास्क मैंने ओपन किया, मास्क ठीक है, मास्क को देखें, ये लास्ट 5 ईयर्स में ये बड़े सुकून में था, तो यहाँ से इसका जनाब ये जनवरी और फेब में ना ये उठा है इसका 2020 में, ठीक है, तो ये जा रहा है जनाब, ये गया 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 यहाँ आके। कौन ये मास्क वाली ऑप्शन कहाँ से आपने लाई जी? ये ऊपर सर्च किया है, ये मैं बताता हूँ, आप ऊपर सर्च किया है, ये अब यहाँ अच्छा, जाके जनाब 100 पे पहुँच गई है, 100 पे पहुँच गई है इसकी जो ग्राफ था, ठीक है, 100 को टच किया है इसने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने ना 6:30 क्लास ज्वाइन की है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही थी ये गूगल ट्रेंड का असल मकसद क्या है, हम इसको किस लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप ये प्लीज एक दफा बता दें तो। उसका ग्राफ देखने के लिए कि उसकी मार्केट जो है मतलब जो सेल रही है कैसी रही है, मतलब एक सीक्वेंस में रही है या सीजनल है, अब ये देख रहे हैं इसकी सेल। और ये कहता है हमने जो क्राइटेरिया है एनेबलर का कि 25 है, ये इसके ग्राफ लाइनें लगी हुई, ये 25 के, ये 50 के, 7500 की, कि 25 से नीचे नहीं आना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का ग्राफ, इससे ऊपर होना चाहिए, समझ आ गई इस बात की? जी सर। सर मिनिमम तो आपने बता दिया 25 है, इसका मैक्सिमम हमें कहां तक देखना चाहिए? मैक्सिमम तो जहां जाएगी फायदा है ना, मैक्सिमम से मुराद है कि सेल बढ़ती जा रही है। अब ये हमने इसीलिए मैंने ओपन किया, मास्क आपको दिखाया और यहां से हमने लास्ट 5 ईयर्स करना है, ये पास्ट 5 ईयर्स हमने सिलेक्ट किए। जी सर वो समझ आ गई है, ये 5 पे आ रहा है, मैं कहूँ ये 25 का है ना ये गैप, तो ये 5-7 पे आ रहा है, ठीक है ना, इसकी जो सेल चल रही है। तो चलते चलते जनाब यहाँ अब वो जैन फेब और मार्च, यहाँ से उठा है ये, अब मार्च है, फिर जनाब जब कोरोना कम हुआ तो डिमांड कम हुई इसकी, यहाँ जून जुलाई में जाके, इसके बाद फिर उठी जनाब और ये यहाँ ले गए 100 पे ले गए इसको जुलाई में 2020 में। ये इस मकसद के लिए होता है कि इस ये यानी कि ये जो हमारी प्रोडक्ट है ये ट्रेंडी या सीजनल तो नहीं है, ये देखने के लिए होता है। राइट सर, ठीक। अब ट्रेंड क्या होता है और सीजन क्या होता है ये कौन बताएगा? सर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ अगर आप कहते हैं। जी बिल्कुल करें जनाब करें। ये सिस्टर ने पूछा ना कि ये गूगल ट्रेंड का, बेसिकली ये गूगल ट्रेंड एक ये सर्च है, इसके थ्रू हमें ग्राफ्स के थ्रू पता चल जाता है कि जो प्रोडक्ट हम अमेज़ोन पे देखना चाह रहे हैं उसको गूगल पे किस तरीके से सर्च किया जा रहा है, उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। इस तरह जैसे ये इन्होंने फेस मास्क का जिक्र किया है तो इसमें ये स्टार्टिंग में बिल्कुल ऑलमोस्ट वो डेड पड़ी हुई है और एंड पे जाकर उसका बूम आया तो एकदम उसकी वो पहाड़ी बन गई है। तो ये जो ऊपर नीचे पहाड़ियां ये भी एक मतवाजन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब ये देखें अगर ये सीधी होती ना यहाँ, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बूम होता। अब ये चीज देखें, ये अब मैंने ग्लव्स सर्च किया है तो ग्लव्स भी डेफिनेटली एक सीजनल है आइटम है। तो आप फिर देखेंगे एक बूम जो आ रहा है बड़े एक ये तकरीबन कोई 1.25 इंच के मतलब उस पे आ रहा है, मेजरमेंट पे आ रहा है, फिर वही सीक्वेंस सेम सीक्वेंस, मतलब ये एक खास सीजन होता है। यानी इसमें अगर ये होता ना यहाँ आके फिर चढ़ जाती फिर नीचे फिर तो फिर हमें ये लगता कि ये सीजनल नहीं है। तो एक खास मतलब ड्यूरेशन के बाद उसमें बूम आ रहा है और फिर नीचे जा रही है, ज्यादातर नीचे ही रह रही है, ये अब हम इसको नहीं लेंगे ये ग्लव्स को, क्योंकि ये 25 को टच कर रही है, इससे नीचे भी जा रही है और एक बार ही बूम आता है इसका ईयर में ना। ये देखें 1 2 3 4 5
मतलब साल में एक बार ही आता है और ये तकरीबन कोई 2 मंथ हो गया, 3 मंथ हो गया, सीजनल टाइप की प्रोडक्ट है। ओके हो गया, इज इट क्लियर सर? इसमें ये 25 क्या है? परसेंटेज है मेरा ख्याल 25,000 सर। उन्होंने हाँ ये एक स्केल बनाया हुआ है, 25,000 है या लाख है जो भी है, एक स्केल है गूगल ने बनाया हुआ है अपना। जैसे हम मतलब कोई वो बनाते हैं मैप कह लें या कोई चीज ऐसी करते हैं, तो हमारे पास एक पेपर होता है फुट बाई 8 इंचेस कह लें या इतना सा पेपर होता है, उसके ऊपर हमने कई किलोमीटर्स का हिसाब किताब करना होता है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये वो वाला सीन है। अब समझ आ गई इस बात की? जी सर बिल्कुल सर जी। सर जी एक प्रोडक्ट जो है आप ऐसे भी सर्च कीजिए जो सिग्नल ना हो, जैसे मोबाइल चार्जर या इस तरह की कोई टाइप की, जरा उसकी भी जी रेगुलर बताएं ना। अब आप लोगों ने बताने हैं कीवर्ड, अब आपका काम आ गया है, अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने क्राइटेरिया बताना है। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कुछ नहीं करना ग्राफ को लेकर। जी बोले सर, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही काफी टाइम से मैंने कि हम ये 5 ईयर का क्यों चेक करते हैं। सपोज अगर कोई प्रोडक्ट बिफोर 3 ईयर लॉन्च हुआ हुआ है, ठीक है, और वो उसका रेटिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसकी ट्रेंड भी बहुत अच्छी चल रही है, उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट हम हंट कर सकते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्सर भी नहीं है, पेटेंट भी नहीं है, तो हम वो क्यों ना करें, क्यों हम उसका जो है ना वो 5 ईयर का हम 12 मंथ करते हैं? 12 मंथ में करेंगे, 5 ईयर का मकसद ये होता है कि उसमें वो ट्रेंडी या सीजनल शो हो जाती है। अभी आगे चल के आपको वो बात भी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आपकी कोई नई आइटम है, ठीक है, तो वो तो चलेगी दौड़ेगी, उसका तो यहाँ नाम निशान भी नहीं होना, ठीक है ना। बिल्कुल अगर एक चीज नई है आपकी और आपको लगता है कि वो जगह बनाएगी। और ये था एक मैनुअल, मेरे ख्याल में था कोई जूसर टाइप का ना मैनुअल स्टील का, वो जनाब दराज वालों ने दिया है 3500 का, और मैं कहता हूँ कि वो 1200 उसकी ना टोटल प्राइस है, 600 का 800 का मिला होगा, तो 1200-1500 तक यानी कि उसको सेल होना चाहिए। लेकिन क्या एक यूनिक चीज़ थी, यूनिक आइटम थी, नई आइटम थी, तो इसीलिए वो जनाब 3500। सर नहीं मेरा ये, मैं एक्चुअली मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। सपोज एक अभी हम सैनिटाइजर खरीदते हैं, ठीक है, 5 साल पहले कोरोना नहीं था, सैनिटाइजर की वैल्यू नहीं थी, अब 2 साल से जो है ना सैनिटाइजर की वैल्यू बहुत हाई हो गई है, उसकी रेटिंग बढ़ गई है, ठीक है, ड्यूरिंग टू कोरोना, कमिंग ईयर में भी कोरोना चल रहा है, ठीक है, तो अगर हम ऐसा कोई टाइप का प्रोडक्ट जो कि ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि बिफोर 2 ईयर या 3 ईयर जो है ना उसकी रेटिंग अच्छी नहीं हुई, बट अभी पास्ट मतलब बिफोर 1 ईयर से पिछले 1 साल से उसकी रेटिंग अच्छी चल रही है, रेगुलर आइटम है। अब्दुल्ला भाई एक मिनट मुझे ऐड करने दें। जी सर एक नई आइटम आई है आपके, मतलब एक बात का ख्याल रखना है हमेशा, जो जरूरियात जिंदगी होती है ना, अब तो हर बंदे को इस बात का शीशा हो गया है कि जरूरियात जिंदगी बंद नहीं हो सकती, रोड बंद हो सकते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद हो सकती है, ठीक है, खाना पीना रोटी कपड़ा मकान किचन आपका बंद नहीं हो सकता, तो किचन रिलेटेड जितनी भी रेगुलर प्रोडक्ट हैं आपकी नई आइटम आपको लेके आती हैं, ठीक है, ले आए चलेगी दौड़ेगी। लेकिन ऐसी ये जो चीज़ है इसकी डिमांड देखें, आपने सैनिटाइजर बोला मैंने कर दिया, ये नीचे जा रहा है बिल्कुल 0-0 है, ये पहले सैनिटाइजर का नाम निशान ही नहीं है। इसके बाद जनाब बूम आया 100 पे गया, देन नीचे आ गया। जी अब्दुल्ला भाई ऐड करें। जी सर मैं भी ये बात करना चाह रहा था कि अब ये सैनिटाइजर जो है, मिसाल के तौर पर अब आप सैनिटाइजर प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हैं, ठीक है, अमेज़न के ऊपर आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही हैं सैनिटाइजर, अब आप पिछले 12 मंथ्स का आप उसका सर्च वॉल्यूम चेक करोगी तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि वायरस आया, वायरस की वजह से उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है, अगर आप 5 ईयर्स का करोगे तो 5 ईयर्स एक लॉन्ग टाइम पीरियड है, वो आपको सारा पीछे मतलब पिछले 5 सालों का आपका पीरियड पता चल जाएगा कि अमेज़ॉन पे इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है,
पिछले 12 महीनों में तो डिमांड आपको नजर आए कि बहुत ज्यादा है, आप 12 महीनों का आप ये मतलब कि आप देख लोगे कि डिमांड इसकी काफी ज्यादा है, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, वायरस आगे खत्म हो जाता है, आपकी आप लॉस में जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही, 5 ईयर का मकसद ये है कि उसको देखना है, वो सीजनल तो नहीं है, एक खास मौसम में चली और फिर गायब हो गए। अब ये देखें, अब ये जनाब नाइफ किया है मैंने आपका, छुरी चाकू किया है, इसको देखें 50 से ऊपर जा रहा है जनाब, 100 को टच कर रहा है, 75 पे, मोस्टली 75 पे जा रहा है। अब ये देखें, अब इसमें जनाब उतार चढ़ाव है मार्केट में, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक खास वक्फा नहीं है, मतलब कहीं ऊपर आ जाती कहीं नीचे चली जाती है। ये ग्राफ में देखें, अब ये चीज है, अब ये ट्रेंडी या वो चीज नहीं है, सीजनल आइटम नहीं है, रेगुलर आइटम है, ऐसी आइटम मतलब ये है कि ये सारा साल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट सारा साल चलने वाली है, इस सारा साल इस प्रोडक्ट की डिमांड है Amazon के सर। मेरा ख्याल है, मैं जिस तरह ये सिस्टर ने सवाल किया था ये समझा हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च ही 2 साल पहले हुई है, उससे पहले उसका दुनिया में वजूद नहीं था, या 3 साल पहले लॉन्च हुई है, पहले वो होती ही नहीं थी दुनिया में। अब जैसे सैनिटाइजर या मास्क ये तो होते थे पहले, लेकिन राइट कोई ऐसी प्रोडक्ट जो अभी लॉन्च हुई है, हाँ, तो वो उसके लिए क्या मैंने उसके लिए इनको एग्जांपल दी थी कि भाई एक नई चीज, वो मैं आपको दिखाता हूँ थी क्या, अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि वो जनाब बड़ा अगर उड़ी जाती तो मैं कहता हूँ 1500 में मिलनी चाहिए थी, वो थी जनाब मैनुअल जूसर, लेकिन वो 3500 में दी है उन्होंने, नीचे मैं दिखाता हूँ सर्च करके। जी ये आइटम थी, ये जो नजर आ रही है आपको, ठीक है ना, मैं कहता हूँ कि ये 800 की इसकी परचेज होनी चाहिए मैक्सिमम, बहुत ही ज्यादा मतलब चढ़ जाए तो, और इसको सेल होना चाहिए 1500 तक होना चाहिए, लेकिन 3500 की थी क्योंकि नई आइटम थी। जब नई आइटम आएगी तो उसकी वाकई में होगी, लेकिन आप फिर उसको वो करते हो ना 12 मंथ पे चेक करते हो, फिर ये देखते हो कि रेगुलर आइटम है। जब रेगुलर आइटम आप देख लेते हैं, फिर सर्च वॉल्यूम देखते हैं, जब सर्च वॉल्यूम उसका ना हो तो फिर जाके आप जनाब उस पर लगाते हैं अपनी बिड और इन्वेस्ट करते हैं कि ठीक है जी इसको आगे जाके देखते हैं इसका क्या बन रहा है हिसाब किताब। बाकी अब इस पर ना एक पॉइंट पर मेरे ख्याल में काफी बहस हो गई है, आगे पूरा क्राइटेरिया पड़ा है उसको करना है। अब ये देखें जी, ठीक है, इसमें मैनुअल में जनाब हमने नीश पे लगा दिया, इसको मार्केट पे लगाना था। सर अस्सलाम वालेकुम, सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये हीलियम 10 जो आप यूज कर रहे हैं तो इसको हम बाय कर लें कि ये हमें सर मैं करवाऊंगा, मैं दूंगा फ्री में दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, थोड़ा सा हौसला रख, पहले दिन से कहा था कि सब फ्री होगा। सबसे पहले मुझे दीजिएगा, थैंक यू। अच्छा ये अब मैं लगा रहा हूँ हीलियम 10 का एक्सरे लगा रहा हूँ, ये जो एक्सरे लगाना है ये मार्केट पे लगाना है आपने, ठीक है, ये नीश यहाँ डाल के सर्च वॉल्यूम में, और डिटेल पेज ओपन नहीं करना, मार्केट ओपन करनी है, नीश का डिटेल पेज ओपन करना है, लेकिन उसका एक प्रोडक्ट का डिटेल पेज ओपन नहीं करना, जैसे पहले मैंने किया था वो एक ही प्रोडक्ट आई थी ना, जब मार्केट ओपन होगी ना पूरी, यानी एक नीश पे जो मार्केट का डिटेल पेज ओपन होगा उस पर लगाएंगे एक्सरे, और फिर वो सारा हमें बताएगा कि इसका क्या सीन चल रहा है। ये SP लिखा हुआ है, ये हम स्पॉन्सर्ड जो है इनको जनाब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। सही एक्सरे लगाना दोबारा समझा दें, समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया? हीलियम 10 का एक्सरे लगाना।
वो लगाना सिखाएंगे सारा, वो टेंशन ना लें। अभी तो आपको पैदा करके दिखाना है, भी पैदा कैसे करेंगे। अब ये नई आइटम आई है, ठीक है, एक किस्म की मार्केट में। अब वो आइटम कहाँ है जो हमने सर्च की थी? हाँ ये पड़ी है, ठीक है, ये 15 नंबर पे पड़ी है। ये देखें, बिल्कुल इसमें बूम आया है। पहले 0-0 थी, इसमें मतलब जो ही आगाही आई है, नई आइटम मार्केट में आ गई है, बिल्कुल इसकी सेल जनाब बढ़ी है। समझ आ रही है इस बात की? जी ठीक है सर। ठीक हो गया। तो अब देखते हैं क्राइटेरिया को मजीद, और फिर इसको आप लोगों को लगा के दिखाएंगे, और इसकी जो है सारी चीज़ें ऐड भी करवाते हैं, और इंशाल्लाह देखते हैं सारा, नहीं तो फिर कल इसको मजीद। ठीक है, इसके ऊपर ना 2-4 दिन लगाए, जरा हीलियम 10 पे जरा इसका निचोड़ निकाले हम। कोई मसला ही नहीं है भैया, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 2 दिन है, फिर आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह सर। प्रैक्टिकल नहीं हुआ ना, प्रैक्टिकल नहीं हुआ, बस वो प्रैक्टिकल अपने हाथों से करना है, अच्छा, अल्लाह हर करे। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये है कि अब जितने बंदे बैठे हैं अभी इस वक्त क्लास में, आप सबके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, या क्या इशू है, या किसका कब आने वाला सर है, मुझे ये बताएं जरा। जिसके पास है वो तो यस सर कर दे, मेरे पास है यस, बाकी यस जिसके सर, पास है बैठा हुआ है, दो यस सर, हो गए, सर मेरे यस पास सर तीन हो है, गए, 4, 5, यस सर है, यस 6, 7, यस सर 8, 9, यस सर, यस सर है, 10, 10, 11, 12, दें भाई सबको हीलियम 10। अब डाउन काउंटिंग सर करवा ये लें, जिसके पास नहीं है वो बता दे। अल्लाह खैर, ये उल्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। जी नहीं, मेरे पास नहीं है सर। लिस्ट में मेरा नाम फर्स्ट पे है कि अच्छा, मेरे मेरे पास पास नहीं है। लैपटॉप है, बट अभी उसकी विंडो स्क्रैप्ट हो गई है। ओए होए, विंडो करवाएं भाई जान, इंस्टॉलेशन भाई, करवाएं तो खुद विंडो करेंगे। विंडो विंडो करवा लें, या फिर एक और आसान तरीका बताता हूँ, किसी को चक्कर दें, ठीक है, कि भाई आप भी सीखें, हम भी देखेंगे, हम आपको सिखाएंगे, आप इधर से सीखें भी सही, उसको सिखाएं भी सही, और आप मास्टर बन जाएंगे इतने में, और लैपटॉप उसी का यूज करें, और हो सके तो नेट पैकेज और सब कुछ, चाय भी उसी के घर जाके पिया करें, मशवरा मुफ्त है, आगे अमल करना, और बंदा ये तरीका पार्टी बताना घेरना था। आए, बेस्ट तरीका है फरूख भाई, क्या बात है, बेस्ट है ये, बेस्ट है। देसी तरीके, देसी अब ये इसका है ट्रेंडस्टर ना, आपके हीलियम 10 का, ऐसे इसमें नंबर मैंने वो आपने डाला कॉपी है किया उस, हाँ जी, इसमें एसन देना है, वहां पूरी मार्केट का आपने मेन कीवर्ड देना है, यहाँ एसन देना है, ठीक है। तो ये जनाब 90 डेज का हम देखते हैं, ये ऑल टाइम का देख लेते हैं। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, आप ये जो आप रेड कह लें या पिंक कह लें ना, ये लाइनें, ये उसकी सेल्स रैंकिंग को शो कर रही हैं। रैंकिंग नंबर जितना कम होगा वो अच्छा होगा। रैंकिंग नंबर से मुराद ये है कि फर्स्ट पे एक चीज है तो वो अच्छी है, मतलब ये नहीं है कि रैंकिंग उसकी 10,000 होगी तो वो अच्छी होगी। 10,000 से मुराद है कि वो 10,000वें नंबर पर पड़ी है, ठीक है, फारिग है, उस तक पहुंचते पहुंचते जो है ना कई नस्लें गुजर जाएंगी, अगर उसने पीपीसी ना की और स्पॉन्सर्ड ना कराया प्रोडक्ट को। दूसरी चीज अब ये देखें, अब ये नई आइटम मार्केट में आई थी, इसकी जो प्राइस थी उस वक्त ये 22 पाउंड थी, ठीक है, ये ऊपर इसकी मार्केट हमने ये यूके की लगाई हुई है, ये यहाँ राइट अपर कॉर्नर पर, डन हो गया, ये जहाँ कर्सर घूम रहा है। जी सर, तो इसकी जब प्राइस आई थी ये तकरीबन 22 पाउंड की थी, देन जनाब नई थी, बूम आया, फिर बैठ गई, फिर उठ गई, फिर बैठ गई, ये ब्लू जो है ये आपकी प्राइस शो करता है, ठीक है, और ये जो रेड होता है ये रैंक शो करता है, रेड लाइन रैंक, आर से रेड और आर से ही रैंक, सेल्स रैंक,
अब बाद में जनाब नई आइटम थी उठी पहले, मतलब 22 पाउंड कहाँ, और फिर नीचे देखें कहाँ पे आई है जनाब, इसकी प्राइस आई है 11 पर, 12 पर आई है, 22 और 12 10 पाउंड गिरी है इसकी प्राइस। तो ये चीज होती है, इसकी जैसे ही प्राइस गिरी है इसका BSR जो है इंक्रीज हो गया। ये देखें जब 12 पे आई है तो इसका BSR जो था वो 48,000 पे चला गया। जी बिल्कुल, ये प्राइस गिरी है तो BSR इंक्रीज होना था, ठीक है ना, BSR में मतलब बढ़ गया, ऐसे मुराद नुकसान दे साबित हुआ है। BSR आपका कम से कम होना चाहिए, यहाँ नीचे होगा ना जितना BSR नीचे भी अगर इसको BSR, देखें तो BSR का मतलब क्या था सर जी, कम से कम भी अगर इसका देखें तो ये जी ठीक है, ठीक होगा, ठीक होगा, सेल्स रैंक, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। ये रैंक लाइन है जो रेड लाइन है, रैंक लाइन है, जो ब्लू लाइन है वो प्राइस लाइन है, ओके। तो इसमें सर ये जब ये प्राइस को ऊपर नीचे कर अप एंड डाउन, तो इससे क्या चीज शो कर रही है को उसके अगेंस्ट कोई कंपटीटर आ गया मार्केट में जिस वजह से प्राइस को वो रोटेट कर रहा है? स्टार्टिंग में उसकी कुछ और थी, दरमियान में कुछ और किया, फिर उसके बाद वो 12 पे चला गया, स्टार्टिंग में डेफिनेटली ऐसे ही होता है ना, मार्केट में जब सेलर आते हैं तो फिर फर्स्ट में जो नई चीज आती है उसकी प्राइस हाई होती है, बाद में फिर आम होती चली जाती है तो फिर तमाम हो जाती है। ठीक जी, ये जस्ट मैं ये कर रहा हूं कि वो जो चीजें हैं फिल फॉर आपको साथ में डिस्कस करके दिखा के जा रहा हूं, वरना अभी तक क्राइटेरिया हमारा खत्म हो जाना था। अच्छा, हम थे ट्रेंड सर्च पे कि ट्रेंडी सर्च, एक चीज मुझे आप लोगों ने नहीं बताई, चलो इसको पढ़ लें, ट्रेंडी सर्च फ्रीक्वेंसी शेल बी अबाउट 25 इन गूगल ट्रेंड्स फॉर 5 ईयर गूगल ट्रेंड्स, ओके भाई, गूगल ट्रेंड में ये अबव देन 25 होनी चाहिए। मैंने पूछा था कि सीजनल प्रोडक्ट और ट्रेंडी प्रोडक्ट में क्या फर्क होगा, ट्रेंड और सीजन क्या होता है। फरूख साहब आपने अच्छा बताएं, जहन बताएं, सीजनल प्रोडक्ट तो वो होगी जो साल में एक दफा दो दफा एक दफा ही आती है, जैसे कि क्रिसमस के ऊपर जो जो है ना वो आइटम्स हमारी सेल होती हैं कुछ ना, वो हो जाती है हमारी सीजनल आइटम। तो ट्रेंडी आइटम्स जैसे वो मतलब या कह लेंगे जो है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, बता दें कोई और बंदा बताए भाई। सर सीजनल वो होती हैं जैसे समर एंड विंटर का जो होता है कि विंटर कलेक्शन है कि समर कलेक्शन है कि ऑटम कलेक्शन है, ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये सीजनल होते हैं। और ट्रेंडी जो होते हैं वो 12 मंथ ऑफ द ईयर होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चलते हैं जनवरी टू दिसंबर। अच्छा, सीजनल और ट्रेंड बात एक ही है कि मतलब कुछ टाइम के लिए आना, लेकिन इसमें जो सीजन है, जो सीजनल है, सीजन बड़ा भाई है, और जो ट्रेंड है वो बिल्कुल छोटा छोटा भाई है, बीच में दो तीन भाई और छोड़ के जो सीजन होता है वो दो मंथ, वो महीनों पर मुहित होता है, ठीक है, मतलब। और ये जो आपकी ट्रेंड होता है ये डेज और वीक्स पर मुश्तमिल होता है, मैक्सिमम मंथ तक भी नहीं जाता। जैसे आप PSL को ले लें, PSL एक ट्रेंड है, अर्तगुल की जनाब और काई कबीला की शर्टें चली, वो एक ट्रेंड चला, हर बंदे ने गाड़ी के पीछे जनाब वो ये जो आपके डेकोरेशन वाले होते हैं इनके पास काई कबीला उन्होंने जनाब एडवांस में काई कबीला के जो है ना प्रिंट निकाल के रखे, उन्होंने थे कटिंग करके डिफरेंट साइजेस की, कि मेहरान वाला आएगा तो ये लगा देंगे, GLI वाला आएगा तो ये लगा देंगे, ठीक है। तो जो ही एक ट्रेंड आया, बूम आया और फिर गया। जी कुल्हाड़ी भी चली बिल्कुल थी, ऐसे ही बिल्कुल चली थी, ट्रेंड आया और गया, ये चंद मतलब दिन मतलब फैशन, कुछ वीक्स फैशन कह सकते हैं कि फैशन चला तो चला। जी जी बिल्कुल, जैसे वो शॉपिंग के लिए कोई जाता है तो वो कहते हैं ना भाई भाई ये नहीं चाहिए, नहीं बाजी आपको नहीं पता ये ट्रेंड चला हुआ है आजकल, आपने फलां को नहीं देखा और फलां को नहीं देखा, आपकी स्टार ये पहने हुए मार्केट बना लेते हैं, मार्केट बना लेते हैं।
ये आजकल ये चीज इन है सर। इसकी मिसाल जैसे रूहअफ़ज़ा और खजूर है जो कि रमजान में बहुत ज्यादा चलती है, सीजनल है प्रोडक्ट, हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है, आप कह सकते हैं इसको एक खास, यानी इसको ट्रेंड में भी ला सकते हैं आप, क्योंकि खास वक्त होता है। एक माइक म्यूट रखें ITN, एक तो आप अपने नाम से आया करें यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा है साथ में अटैच है, कंपनी है। मैंने एक बार पहले भी कहा था और बल्कि आज मुझे ख्याल आया है और मुझे बहुत बुरा फील हुआ है कि एक बंदा है साथ चल रहा है, ठीक है, सवाल है जवाब भी कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसका पता नहीं है भाई नाम क्या है भाई का। जी ठीक है सर, चेंज कर देंगे सर, क्योंकि वो ऐसे मुझे खुद अजीब सा लगता है ना कि मैं क्या कहूँ अगले बंदे को कि उसका नाम क्या नाम है, तो नाम से हो रहा है तो बंदे को अच्छा लगता है, बंदा उस नाम से पुकार दे। अच्छा कुछ और भाई कुछ कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही सर। जिनके पास शोर हो या जिनको ज्यादा गर्मी लगती हो वो एयर कूलर के सामने बैठना पसंद करते हैं, तो वो फिर आप लोग जो है ना चैट बॉक्स में चैट किया करें, वहाँ अपना मैसेज जो सवाल जवाब हो वो आप डाल दिया करें। अच्छा जी पढ़ें आगे, कामरान भाई पढ़ें, कहाँ पढ़ते हैं सर? जो 12 मंथ प्रोडक्ट चलेगा तो उसको फिर क्या नेम देंगे? सीजनल और ट्रेंड तो ये हो गया कि जो सीजनल हुआ और ट्रेंड जो ट्रेंड चल रहा है ऑन द स्पॉट, उसको आप जो 12 उसको आप रेगुलर का रेगुलर कह सकते हैं, ऑल राउंडर कह सकते हैं, 24/7 कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो नहीं सर, हम तो वो कुछ भी कह सकते हैं, अमेज़न वाले क्या कहते हैं ये पूछ रही हूँ आपसे। बस रेगुलर ही कहते हैं अमेज़न वाले। जी पढ़ें भाई आगे, 8 नंबर से। सीजनलिटी शुड शो नो साइन ऑफ सीजनलिटी, ट्रेंड इज Search volume, history, trends and BSR of top 10 sellers. उसमें ये नहीं बता रहे हैं कि नंबर 8 में seasonality should show no sign, इसका यानी कि sign नहीं show होना चाहिए कि product seasonality है। Sign से मतलब किसी किस्म का उसको, मतलब Google Trend में या BSR या कहीं से भी उसका थोड़ा सा भी हमें खुशबू आए या लगे या शक पड़े कि ये seasonal है या trendy item है तो we should leave, तो हमें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। जी आगे चलें। नंबर 9, वेट नो आवर साइज नॉट मोर देन 2 kg, 2 किलो से उसका वजन जो है ना ज्यादा नहीं होना चाहिए। नंबर 10, बिल्कुल product. आप जब एक मिनट आप उसको ऐसे करेंगे कि दो कितना कितना केजी था, 2 kg वेट, 2 kg ये USA की मार्केट के लिए, उधर 1.5 kg है, ठीक है, तो वहाँ कौन सी वो चलती है, यूनिट चलता है इसके लिए USA में? औंस से होता है गालबन था सर, आई थिंक LB 5 LB 6 LB जितना मैंने देखा है प्रोडक्ट का। LB चलता है जी, पाउंड चलता है ये हमारा, हाँ LB चलता है, इसको हम 2 kg into LB, ठीक है, LB is कितने LB हो गया, 4.4 pound, ठीक हो गया, यानी 4.4 pound आपकी मैक्सिमम जो है उसका वेट होना चाहिए। जी कामरान भाई आगे। प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 शैल बी अबव 4.2, जिंगल स्कोट एक्सटेंशन। प्रोडक्ट रेटिंग के बारे में बता रहे हैं कि उसकी एवरेज रेटिंग ऑफ टॉप 10 यानी कि उसके जो टॉप 10 बताइए, टॉप 10 है SP निकाल के, आपके SP स्पॉन्सर्ड निकाल के, जो कि उसने ऊपर वाले 3 पॉइंट्स में उसने बताया है के शॉर्ट रेवेन्यू हाइट लो करेंगे और रिमूव इरेलीवेंट और अवॉइड डुप्लीकेशन,
ठीक है, और स्पॉन्सर्ड भी हम निकाल देते होते हैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं होते, और इसको भी डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक और स्पॉन्सर्ड को। अच्छा, इसमें वो कहता है कि उनकी रेटिंग 4.2 होनी चाहिए, एवरेज रेटिंग है जो टॉप 10th होंगे। जी आगे चलें। लिस्टिंग लाइफ ऑफ प्रोडक्ट इन टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 मंथ। जी वो ये कहता है कि उसकी लिस्टिंग नई नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए उसकी लिस्टिंग लाइफ, या जो लिस्टिंग लगा चुका है उसकी उम्र 6 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, वरना वो नई चीज होगी तो नया बंदा खुद ही सीख रहा होता है, नहीं होता। तो हम उससे बिल्कुल हम उससे उसके स्टैट से या फैक्ट्स एंड फिगर से क्या हिसाब लगाएंगे, और हमें उसके फैक्ट्स एंड फिगर कोई फायदा नहीं देंगे, उल्टा खराब करने वाली बात है। जी आगे चलिए। वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल एड अ लो प्राइस प्रोडक्ट एज अ वैल्यू एडिशन अप टू कॉस्ट ऑफ 1 USD। जी इसको कोई बंदा करेगा, क्या कहता है ये यहाँ पे अब्दुल्ला भाई? जी सर, क्या कह रहा है इसमें 12th नंबर में 12 में? सर मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। इसमें जहाँ तक सर मैं समझ रहा हूँ, जैसे ये हमने अमेजोन पे देखते हैं ना प्रोडक्ट्स के, एक साथ नीचे 2-3 प्रोडक्ट्स और भी शो कर रहा होता है कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको इसके साथ ये प्रोडक्ट्स भी मिल सकती हैं, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ। शायद अब्दुल्ला भाई इम्तियाज भी इसको एक्सप्लेन कर पाए। जी हाँ, सही कह रहे हो आप। इसमें ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, तो वो साथ आप कोई लो प्राइस, मतलब कि एक लो प्राइस आप कोई भी प्रोडक्ट साथ आप फ्री दे दो उसको, कि मतलब कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट परचेज करते हो तो साथ आपको ये भी मिलेगी, ये आपको फ्री साथ प्रोडक्ट आप मिल जाएगी, तो वो आपकी मतलब कि आपके प्रोडक्ट की वैल्यू। जी जी, इसके एग्जांपल में जैसे जूते के साथ एक शाइनर हमें फ्री मिल जाता है, तो ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती है। बिल्कुल यही बात है, और ये ऐसे है कि अगर इसकी मैं लाइव एग्जाम्पल दूँ, अनारकली जो है आपकी उसके कॉर्नर पे जहाँ आपका माल रोड बनता है, हाफिज जूस कॉर्नर है, तो हाफिज जूस कॉर्नर से अगर आप जूस पीते हैं उनका रेट तो ठीक है, तो वो जनाब एक छोटी गिलासी देते हैं बड़े मग के साथ, ठीक है, तो ये कहता है कि जैसे समोसे के साथ चटनी सर जी, समोसे के साथ चटनी जिस तरह से ना, नहीं समोसे चटनी वो तो होते हैं वो शाइनर वाली बात, ठीक है जी करें अब आप करें। Amazon के ऊपर मिसाल के तौर पर आप शूज सेल कर रहे हो, तो आप शूज के साथ आप लगा दो तो उसकी पॉलिश भी लगा दो, कि मैं शूज सेल करूँ, अगर आप मेरा शूज जो जूता है वो अगर आप परचेज करते हो तो साथ आपको जूते की पॉलिश भी। जी बिल्कुल, वो ऐसे होता है और ऐसे करना चाहिए, वो यहाँ हमें वही बात कर रहे हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट है $20 की है, $25 की है, तो आप $1 की जब देंगे उधर से आपको $1 यहाँ से देंगे, उधर से $7 या $5 आपको छेद बचते हैं, तो एक अच्छी बात है। और उसके अलावा जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो आइटम्स फ्री देती हैं साथ में, मतलब जो मैन्युफैक्चरर होते हैं कंपनी से मुराद ये है ब्रांड ना, मैन्युफैक्चरर सारे से वो झूंगा 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 द ये चीज झूंगा, बिल्कुल ये झूंगा भाई आपने देना है उसको। और अगली बात जो है कि जो कंपनीज होती हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं उनका जो माल खराब हो जाता है, आप लाइक इसकी बात करें शाइनर की, अगर शाइनर उनका जनाब खराब हो गया है, ठीक है सूख गया है, तो उनने क्या करना है, उनने पानी गर्म करके उसमें डलवा के ना थोड़ा थोड़ा हर डिब्बी में, तो उसको पैक करवा के जनाब वो झोंगे में देना स्टार्ट कर देना है उन्होंने, वैल्यू एडिशन जो है प्रोडक्ट की उसमें डाल देना है उन्होंने। तो पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं बड़े, तो वो ऐसे भी कर लेते हैं, तो हम चूंकि एक ब्रांड की सूरत में होंगे तो वो ये बात करें। जी मैंने पूछना था, ये जो हम कह रहे थे कि जो नंबर 12 वाला है, इसमें अगर आप कोई आइटम सेल कर रहे हैं तो उसके साथ आप कोई ऐसी आइटम ऐड कर दें कि जो $1 से लाइक कम $1 तक या उससे जरा सी ज्यादा हो, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, तो
इससे ये भी होता है कि अगर मैं कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट बाय कर रही हूँ तो उसके नीचे लिखा होता है अगर आप ये लेते हैं तो उसके साथ आप बैटरीज ले लें प्लस बैटरीज, तो उसकी ये टोटल प्राइस हो जाती है, तो वो क्या वो बैटरीज उसमें एक नंबर 12 जो पॉइंट है उसी तरह काउंट होता है? वो कह रहा है कि उसकी चार्मिंग बनाने के लिए, कशिश बनाने के लिए अपनी मेजर प्रोडक्ट की जो माइनर प्रोडक्ट देनी है आपने वो फ्री देनी है। अब समझ आई है? जी सर, अब समझ आइए। कि आप जब वहां हाफिज वालों के पास जूस पीते हैं ना तो उसकी बड़ी खुशी होती है छोटे गिलास की ना, कि ये साथ पड़ा है अभी ना, ये खत्म कर लें तो फिर वो भी पीते हैं। तो ये सीन होता है कि छोटी प्रोडक्ट जो है उसकी बड़ी खुशी होती है साथ में कि यार चलो ये भी साथ में मिल रहा है, खैर है 50 सेंट 60 सेंट का फर्क है ना, चलेगा। समझ आ गई? मतलब ये गिफ्ट ही होगा जो भी होगा। जी जी बिल्कुल गिफ्ट होगा। जैसे सर्विस वाले जूतों के साथ एक बॉल फ्री देते हैं जो है ना, पहले जब हम छोटे थे तो सर्विस के जूते थे। वही बात बिल्कुल सेम, बॉल वाली, शाइनर वाली, सॉक्स वाली, ब्रश वाली, या ये आपका ये जो पेस्ट वगैरह है कोलगेट वगैरह, वो डब्बी के अंदर पेस्ट ही होती है मेरे ख्याल, कोलगेट है कौन सा है, और साथ में काफी सारे देते हैं, ब्रश भी दे देते हैं ना, तो ये वो ब्रश की बात कर रहा है यहाँ पे। यस सर, कोलगेट है, कोलगेट के साथ टूथब्रश फ्री। जी अब ये पढ़े प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, कि किन प्रोडक्ट से हमने बचना है। सर मैं पढ़ दूं? बिल्कुल जी पढ़ें, हम तो देख रहे हैं कि कोई नई आवाज आए। जी सर, जी तो नंबर 1 पर है ओवर साइज, तो जो एक्चुअल साइज बताया गया है, सॉरी मुझे भी वो याद नहीं है साइज क्या है, उससे ज्यादा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट का साइज उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 kg, ओके 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओबवियसली ये यूएस का बताया हुआ है। इजिली ब्रेकेबल, जो आसानी से कोई प्रोडक्ट टूट जाए, ठीक है वो आपने नहीं लानी, ठीक है। वेपन्स रिलेटेड, सर ये वेपन्स रिलेटेड इसमें हम क्या ऐड करेंगे, कोई बंदूक बारूद वगैरह? हाँ हाँ, आर्म्स एंड एमुनिशन। जी हेलमेट, हेलमेट में सर हम क्या ये टॉयलेट लिक्विड्स वगैरह इसको ऐड करेंगे, कोई जिसे कहते हैं हैजर्डियस मटेरियल कहते हैं। ओके बिल्कुल वही केमिकल आप इजीली कह सकते हैं। जी तो सर ये जो लिथियम बैटरीज है इसका जरा आप थोड़ा सा बता दें प्लीज। ये आपके हाथ में है लिथियम बैटरी जो है ना। ओके मोबाइल वगैरह जो इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, मोबाइल की जो बैटरीज होती हैं इस टाइप की आइटम्स, वो मतलब एक खास टेम्परेचर पे कभी जाके वो फूल जाती हैं, खराब हो जाती हैं, ठीक है ऐसी मतलब लिथियम टाइप की जो चीजें हैं वो बैटरीज यूज नहीं करनी। जी आगे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितनी भी होती हैं वो रिकमेंडेड नहीं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओके और इसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट्स, सर रिस्ट्रिक्टिव प्रोडक्ट्स पे क्या आ सकता है हमारा, उसमें तो फिर वही आ जाता है ना हेजमेट वाली चीजें जो होती हैं लिक्विड, वो जैसे ब्लीच वगैरह हो गया या इस तरह की, या इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स अमेज़न में क्या होती हैं तो भूल भी गया। आप अमेज़न ने गेटेड प्रोडक्ट कह सकते हैं, गेटेड मतलब जिनको गेटेड भी आ जाती है इसमें ना। सर फूड वगैरह आप कह लें, फूड होता है वो गेटेड प्रोडक्ट, ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, और इसमें जो है मेडिसिन या मेडिकल की जो आइटम्स हैं, अपना मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वो आ जाती हैं रिस्ट्रिक्टेड से, वही हो गया गेटेड मतलब जिनके लिए हमें सर्टिफिकेशन देनी पड़े, जैसे यहाँ आम ब्यूटिशन मतलब ब्यूटिशन की जितनी भी आइटम्स हैं वो यहाँ विदाउट एनी सर्टिफिकेशन चलती हैं हमारे पास पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ ये नहीं होता, वो उसकी मुकम्मल डिटेल मांगते हैं, उसकी हिस्ट्री मांगते हैं, ठीक है मैन्युफैक्चरर का जो है रिपोर्ट मांगते हैं, और क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें, कितनी इसकी वो है एक्सपायरी है, और कौन सी आइटम है ETC, सारा तो वो चीज़ होगी। फारूक साहब मैं एक सेकंड, ये मैं सिर्फ इनको ये बता दूं, अभी जो वर्ड यूज किया है ना फारूक साहब ने गेटेड कैटेगरी, ये वो प्रोडक्ट होती हैं जिसके जिसको अमेजोन अप्रूव करता है, और ये दे आर से ऑफ 6 टाइप्स, एक तो बच्चों से रिलेटेड है, बेबीज आइटम्स हैं, टॉयज एंड गेम्स हैं, वो हाउस होल्ड एंड हेल्थ है, फिर इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं,
ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आप बेचना चाहते हैं तो उससे पहले अमेज़न उसको एक तो सर्टिफिकेशन होती है प्लस अमेज़न अप्रूव करता है, उसके बाद तकरीबन इसको कुछ टाइम लगता है, उसके बाद अप्रूव करता है अमेज़न। जी बिल्कुल, इसमें फिर वही हम प्रोडक्ट्स कहेंगे ना, जैसे फूड वगैरह हो गया, जो ऐसी ओबियसली सर ने जैसे बोला जो एक्सपायरी जिनकी उसके पर मेंशन होती है। बिल्कुल ठीक है, जो हेल्थ हेल्थ इश्यूज हो सकता, लाइफ और हेल्थ रिलेटेड इंजरी हो सकती है। जी बेहतर हो गया। और लास्ट वाला है नो पेटेंट, इसका सर ये मैं भी रीड करी थी, ये होगी वो आइटम जिसके लिए हमें सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। ये कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो लोगों ने अपने नाम पर रजिस्टर कराए होते हैं, पेटेंट होते हैं। पेटेंट वो दो किस्म के पेटेंट होते हैं, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट होता है, एक होता है डिजाइन पेटेंट होता है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हो, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद सेकंड स्टेप जो है वो पेटेंट का होता है। इसमें ये होता है कि जो डिज़ाइन पेटेंट होता है वो ये होता है कि कुछ लोगों ने अपने डिज़ाइन, मिसाल के तौर पे आप एक गिलास सेल कर रहे हो तो जिस डिज़ाइन का गिलास आप सेल करना चाह रहे हो उस डिज़ाइन का आप गिलास पेटेंट चेक करवाओगे कि ये डिज़ाइन रजिस्टर्ड तो नहीं है, पहले से ही कोई बंदा इस डिज़ाइन का गिलास सेल तो नहीं कर रहा। अगर वो रजिस्टर्ड है तो आप उसके साथ का उस मतलब उस डिज़ाइन का आप गिलास सेल नहीं कर सकते, आप किसी और डिज़ाइन में जाओगे। और जो यूटिलिटी पेटेंट होता है वो ये होता है कि इसका यूसेज किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो भी आपने पेटेंट चेक करवाना होता है। तो ये दो पेटेंट होते हैं, ये आपने लाजमी चेक करवाने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये पेटेंट का सीन चला था होंडा और आपके टोयोटा का कंपनी का, कि वो कहते थे ये हमारा डिजाइन है, उन्होंने जनाब ये हमारा डिजाइन है, ये हमारा डिजाइन है, कुछ बंपर का था शेप ना, तो वो केस चला मेरे ख्याल में टोयोटा जीता था या होंडा ना, ये अभी मुझे कंफर्म नहीं है, सही याद नहीं पड़ रहा। तो ये होता है डिजाइन पेटेंट, और यूटिलिटी पेटेंट यही होता है कि इस नाम से ये चीज पहले कोई किसी के नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं है, वो तो नहीं सेल कर रहा। जी सर, ये केस मेरे कजन्स हैं उनके साथ भी हो चुका है, उन्होंने यूएसए में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की थी और अच्छा। उनकी प्रोडक्ट काफी अच्छी जा रही थी और यही उन्होंने सिर्फ एक ये जो पेटेंट है उन्होंने चेक नहीं करवाया, उन्होंने सिर्फ पेटेंट चेक नहीं करवाया, इस गलती की वजह से जो डिजाइन पेटेंट था वो कोई और सेलर था जो सेल कर रहा था ऑलरेडी, तो वो सेलर जो था वो उसने इनके ऊपर केस कर दिया और ये कुछ कर नहीं सकते थे, इनकी सारी इन्वेंट्री अमेज़न के वेयरहाउस में इस टाइम पड़ी हुई है और ये कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में, इनको काफी लॉस है, सिर्फ ये पेटेंट चेक ना करो, काफी देख लें नुकसान हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा भाई उनका तो काफी। अब तो जिंदा मिसाल आपके सामने आ गई है, अब तो नो पेटेंट वाली जो है ना बात ज़हन-नशीन हो जानी चाहिए। ये पेटेंट का एक और केस चला था आईफोन और सैमसंग ने जब अपना एंड्रॉयड लॉन्च किया था, तो उन्होंने कहा था इससे हमारे सॉफ्टवेयर की कॉपी की है, और काफ़ी बड़ा फाइन हुआ था एंड्रॉयड को, लेकिन बार उन्होंने फाइन पे किया और चलाया सैमसंग वाले। जी और सैमसंग आपका आपके एप्पल से ऊपर जा रहा है। जी भाई बताएं। सर ये जो लास्ट ऑप्शन हम भी पूछ रहे हैं लाइक इसके बारे में नो पेटेंट, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये आप आगे बताएंगे या तो सुबह जब आप उठेंगे इंशाल्लाह तो 160, 151, 170, 150 प्लस बंदे नीचे होंगे, यस इनबॉक्स मी आई एम हेयर, तो 10 बंदे तो आपको इनबॉक्स ही कर देंगे। तो ये आप फाइवर पे जाते हैं या कहीं भी अब वर्क पे जाते हैं, पेटेंट चेकर बैठे होते हैं तो आप उनसे करवाते हैं। जी इम्तियाज साहब ऐड करें। अब बिल्कुल ठीक कहते हैं आपने, ये स्पेशलाइज्ड टास्क है जो लोग कर रहे हैं फाइवर के ऊपर बैठ के, इसकी एक फीस चार्ज करते हैं वो, और ये वैसे एक अगर करना चाहे तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है, पेटेंट आप खुद भी चेक कर सकते हो, ये google.patent ये आप गूगल के ऊपर लिखोगे google.patent वो आप ओपन करोगे, वहाँ पे आप अपनी जो प्रोडक्ट है आप वहाँ पे सर्च करके आप खुद भी ये चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल इस काम में नहीं हो तो ये रिकमेंडेड ये होता है कि एटलीस्ट दो फ्रीलांसर से आप जो है ना ये पेटेंट चेक करवाएं और वो आपको फाइवर के ऊपर मिले। सर अगर क्राइटेरिया डिस्कस हो गया है तो 11 पॉइंट को दोबारा डिस्कस कर दें।
जी अब्दुल्ला भाई बताएं इनको 11 पॉइंट बताएं कि लिस्टिंग लाइफ कितनी होनी चाहिए, लिस्टिंग लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स इन टॉप 10 शुड बी हायर देन 6 मंथ्स। यस जी, 11th पॉइंट ये होता है कि जो आपके टॉप 10 सेलर्स होंगे ना, वो आपके मतलब के 6 महीनों से ज्यादा पुराने सेलर्स हैं। ठीक है, मतलब के 6 मैक्स मतलब के मिनिमम उनके वो जो अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं वो 6 महीनों से ज्यादा कर रहे हैं, मतलब के 6 महीने से पहले से मतलब को काम कर रहे हैं। जितने वो पुराने सेलर्स होंगे उतना ज्यादा बेनिफिट है, 6 महीनों से नीचे नहीं आना चाहिए, 5-4-3 नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि जो सेलर जिस सेलर को खुद 3-4 महीने हुए हैं, खुद नया सेलर है, उसको खुद वो खुद अभी सीख रहा है, वो ये कह रहा है कि जो 6 मंथ से पुरानी लिस्टिंग होना जरूरी है। अगर लिस्टिंग उनकी 6 मंथ मतलब 3 मंथ हुए हैं, 2 मंथ हुए हैं, 4 मंथ हुए हैं, उनको डिलीट कर देंगे। जैसे आप स्पॉन्सर को डिलीट करते हैं, उनको डिलीट करेंगे और फिर जो बचेंगे आपके पास ऑर्गेनिकली 10 जिनकी मतलब लिस्टिंग लाइफ होगी, जिनकी प्रोडक्ट को लिस्ट हुए हुए 7 मंथ 8 मंथ 10 मंथ या ईयर हो चुका होगा, तो सारे मतलब मिक्स होंगे। ये नहीं है कि सारे ही 6 मंथ वाले निकल आएंगे, कोई एक दो आ भी जाता है तो फिर आप उसको अपनी उसमें ऐड करेंगे, वरना उनको डेल मार के स्पॉन्सर को भी डेल करेंगे और देन उनका एवरेज निकालेंगे तो आपका रिजल्ट ठीक आएगा। अगर आपने नीचे जो पड़े हैं 3-4 मंथ वाले उनको ऐड कर लिया तो आपकी एवरेज अच्छा रिजल्ट शो करेगी, लेकिन बाद में जाके आपको नुकसान होगा। जी अब कुछ बाकी इसमें बचा है इसमें? सर मैं एक ऐड कर दूं? जरूर जनाब। माइट भी किसी के जहन में ये सवाल आ रहा हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 माह से काम कर रहा है, 4 माह से या 6 माह से, तो वो जंगल स्पोर्ट पे उसकी डेट भी मेंशन होती है कि इसकी हीलियम 10 में, हीलियम 10 में स्पोर्ट पे भी होती है, हीलियम 10 पे भी, हीलियम 10 में भी होती है। इंशाल्लाह जाएंगे अब हर चीज सामने आ जाएगी। अच्छा अब देखते हैं भाई, जैन भाई जी जी आप जरा स्क्रीन शेयर करें। अच्छा जी एक सेकंड, जरा मैं मीट को ऑन कर लूं, मीट मोबाइल पे अभी मैं करता हूँ, एक मिनट सर। फरुख साहब ये क्राइटेरिया ग्रुप पे शेयर हुआ है? मैं कर देता हूँ अभी, मैं कर देता हूँ। थैंक यू, निकल कर दिया सर। सर जब तक एक क्वेश्चन कर लूं। जी करें करें। सर मैंने इधर इन स्टूडेंट्स में से पूछना था कि किसी को ई बाय का कोई नॉलेज है, ई बाय प्लेटफॉर्म का कोई नॉलेज है तो डिस्कस कर। अब्दुल्ला भाई ई बे के बारे में कोई है या इम्तियाज साहब? नहीं सर ई बे के बारे में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अमेज़न पे अभी ये काम सीख रहे हैं, ठीक है, क्या ईबे का भी यही प्रोसीजर है या ईबे का कोई अलग तरीका है? इतना मुझे पता है कि ईबे काफी आसान है, काफी आसान है, और ये सबसे मुश्किल आपका अमेज़न है और यूके और यूएसए की मार्केट है। बाकी दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट अमेज़न, मार्केट अमेज़न है, और ये जो आपकी मार्केट सऊदी या दुबई अमारात की या बाकी ये छोटी मार्केट है, ये भी ऐसे लेफ्ट हैंडेड है, बाएं हाथ का काम है आपके। और अब थोड़ा इधर स्क्रीन की तरफ तवज्जो दे, मैं चीजें समझाता हूँ। ये जनाब यहाँ पे ये डिलीवरी वाली गाड़ी खड़ी है, पिकअप नजर आ रही है? जी सर। जी सर। इसके नीचे FBA लिखा हुआ है, यानी फुलफिलमेंट बाय Amazon। ठीक है, नीचे आ रहा है जनाब के मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क, यानी FBM, यानी मैन्युफैक्चरर खुद जो है ना उसने अपना नेटवर्क बनाया हुआ है फुलफिलमेंट बाय का, यानी डिलीवरी देने का अपने कस्टमर्स को, मटेरियल पहुंचाने का और अपने वेयर हाउस में सामान रखने का खुद ही इंतज़ाम किया हुआ है, तो वो मैन्युफैक्चरर फुलफिलमेंट नेटवर्क आ जाएगा और FBA फुलफिलमेंट बाय Amazon आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से ये गाड़ी से हमें नजर आएगा। और ये पढ़िए क्रिएशन डेट, लिस्टिंग क्रिएशन डेट इज हियर, ये है 7/3/2020, ये 5/3/14 की पढ़ी है, ये 21 की एक पढ़ी है,
16 तारीख की है, 16 जनवरी की। इसको बनाए भाई अभी 6 मंथ हुए हैं कि नहीं हुए? ये सर हो गए 6 मंथ नहीं नहीं सर तकरीबन नहीं हुए। सर दोबारा बताएं जरा एक मिनट। अभी 5 मंथ जी नासिर साहब जरा बताएं इसका। जी अभी चल रहा है बिल्कुल, बताएं जरा इसका क्रिएशन डेट का कि वो जो था लाइफ लिस्टिंग का 11वां पॉइंट था कि लाइफ लिस्टिंग शुड बी मोर देन 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ से ज्यादा उसकी पहले की लगी हुई हो लिस्टिंग, जो अभी की ना हो जी 4 मंथ 5 मंथ की ना हो। तो यहाँ ये आ रहा है, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पड़ी है, इसको हम डिलीट कर देंगे इसलिए कि ये 5 मंथ से 6 मंथ नहीं हुए अभी, जुलाई बिल्कुल ऐसे ही 16 को होंगे इसके 6 मंथ। और इससे नीचे वाला भी मई का है, अभी उसे 1 महीना ही हुआ है तो उसको भी डिलीट कर देंगे, बाकी सब 6 मंथ से ऊपर ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और नीचे जो एसपी इधर आएगा, बल्कि इधर फिल्टर लगाएंगे ये डायरेक्ट, ये कीफ वाला यहाँ से, ठीक है, यहाँ 56/56 आ रहे हैं रिजल्ट, यहाँ से जाके फिल्टर लगाएंगे। जैन भाई जल्दी करें, ये नीचे हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जी हो गया मेरा, मैं बस वो आपको फाइनल कर रहा हूँ कि आपका करें तो मैं फिर शेयर करूँ। अच्छा ठीक है, ये फिल्टर आप लगाएंगे तो स्पॉन्सर्ड हाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है, ये अप्लाई फिल्टर पर क्लिक किया तो वो स्पॉन्सर्ड उड़ गए हैं जनाब यहाँ से। जी करें। अच्छा जी हेलो जी, शेयर करें स्क्रीन। जी जैन सर। फारूक भाई इसमें ये जो एक सीसी का निशान लफ्ज़ लिखा हुआ है उसके साथ एरो का निशान है। जी जी इसी से है ये एरो, आपकी स्क्रीन शेयरिंग है, ये स्क्रीन शो करा रहा है और नीचे एरो जो है ये शेयरिंग के लिए। इसमें तीन टैब्स आगे शो हो जाते हैं जिसमें योर एंटायर स्क्रीन है, ए विंडो है, टैब है। एंटायर करें, एंटायर करें, एंटायर करें। अच्छा जी जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये भी हुई आप, है आप हो जाएगी अगर आपकी तरफ से, वो नीचे छोटी टैब आई है कि यू आर शेयरिंग स्क्रीन। जी बिल्कुल वो तो आई है लेकिन नीचे नीचे शेयर वाला ऑप्शन ये भी आ रहा। एक मिनट, मतलब मैंने शेयर तो कर दिया है लेकिन ऊपर लिखा हुआ आ रहा है शेयर योर एंटायर स्क्रीन, क्रोम वांट टू शेयर टू कंटेंट्स ऑफ योर स्क्रीन, योर एंटायर स्क्रीन पर, मेरी बात सुनो, एंटायर स्क्रीन पर क्लिक करके तो ऊपर जो स्क्रीन शो होगी ना उसके ऊपर जाके क्लिक करना है, फिर शेयर आपका ब्लू कलर का हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया। फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस ना। जी सर जी। अच्छा जी ये मैंने ना सर जी वो जो दिखाना था बेसिकली ये है वो अकाउंट, आज मैंने फर्स्ट डे इस लैपटॉप पे ओपन किया है, कल मैंने मतलब शॉप पे ही ओपन किया था, कल ही मुझे एक्सेस मिली थी तो अभी इस लैपटॉप में मैंने फर्स्ट टाइम इस पे मैंने फर्स्ट टाइम ओपन किया है तो मुझे इसका क्या कहते हैं कि अभी 0% आईडी है या कुछ थोड़े बहुत उसने बताए थे दोस्त ने, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसका ऑपरेशन अच्छी तरह करेंगे, टेंशन ना लें। अच्छा तो सबसे पहले तो इधर इधर ना मैं करूं, सबसे पहले तो सिलेक्ट योर एड्रेस, इसमें जो हमने सीखा था आपने बताया था करें, बिल्कुल सिलेक्ट करें आप, आपकी मार्केट कौन सी ओपन है? जाहिर है दुबई है। बस ठीक है, यूएई ओपन है, यूएई। तो इस जगह पे कौन सा सिटी कोई भी कर लूं इसमें? इनमें से आप अबू धाबी कर लो, अब सारे मतलब हां क्योंकि कोई भी होगा ना इनमें से। इसमें उसने कोड नहीं मांगा वैसे, हम वैसे तो कंट्री को कोस्टल कोड भी मांगा, वो इतना इतना बड़ा ही नहीं है ना भाई, अगर आपके पास डन हो गया सारा सारा तो घूम लेते हैं। जी सर ठीक हो गया। अच्छा अब सर जी मैं मुझे बताएं इसमें ये मतलब योर ऑर्डर्स आ रहा है, फिर इसके बाद एड्रेसेस है, अमेज़न मोबाइल ऐप है, प्राइम गिफ्ट एड्स, ये चीज है, फिर इसको ये इसके अंदर आप ऊपर न्यू टैब, बल्कि इसमें लिखें आप वो ओपन करें, अमेज़न ओपन करें, अमेज़न ओपन है, इसमें सर्च करें, इसमें इस जगह पे, ओके इस जगह पे। जी सर क्या आइसक्रीम लिख लूँ, क्या लिखूँ?
हाँ आइसक्रीम स्कूप जरा सर्च करें, ये न्यू टैब में ओपन कर, चलो खोलें इसमें सर्च करें जरा। हाँ अब देखा है ये कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं, गिने जरा हाँ, नीचे कितने आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह आइसक्रीम को आए मोल्ड स्कूपर आइसक्रीम ग्यारह आ रहे हैं जी। बिल्कुल ग्यारह याद रखने और इसको छोड़ दें। अच्छा छोड़ दिया, टैब ओपन करें। अच्छा यहाँ पे न्यू टैब ओपन करूँ ये वाला? जी बिल्कुल। ओके और इसको आप लिखें गूगल में कि अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर AMZ, ठीक है अमेज़न लिखने सजेशन आ गया नीचे, क्लिक करें। ओके जी सर डन हो गया, इसमें ये पहला जी इसी को ओपन करें। ओके जी ये कोई एक्सटेंशन वगैरह तो नहीं है? जी एक्सटेंशन है, इसको ऐड करो, इसको मैं सर जी ऐड कर देता हूं, ऐड टू क्रोम जी। बिल्कुल उधर जाके इसको पिन करें, ये सर ऐड हो गया। ये जनाब इसको अब मैं आपकी डीपी के साथ ये जो थोड़ा ये, खड़ा है ठीक है पिन कर, ये हो गया, हो गया सर जी पिन करें, हो गई है अब ओपन करें, ये एनेबल हो गई है सर, हो गई है बस ठीक हो गया। ओके हो गया, आप अमेज़न में जाएं, आप उस पे जाएं आपकी डीपी के लेफ्ट साइड पे जो खड़ा है हैमर नहीं खड़ा, इस पे क्लिक करें लेफ्ट पे, लेफ्ट पे ये वाला, ये वाला कह रहे हैं नहीं लेफ्ट पे थ्री डॉट्स हैं जो कार्ट है बना हुआ, आप इसमें कह रहे हैं सॉरी इसमें कह रहे हैं आपकी डीपी की लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आपके चश्मे के सामने तस्वीर ये यही यही आपकी डीपी और कार्ट के दरमियान नीचे सब ठीक हो गया, ये आ गया करें इसको पिन करिए ब्लू करेंगे यहां से आप ये हथौड़ा याद रखना है हथौड़ा जाके पिन पे मारेंगे पिन ब्लू होगी तो देन आपका एक्टिव हो जाएगा सजेशन। ये सर जी आ गया ये चीज है अमेज़न की सर डन हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूं, अब मैं आ गया दोबारा अपने अकाउंट में इधर। अब यहां लिखें आइसक्रीम स्कूप, ठीक है ये हमारा सर आ गया, इसको मैंने एंटर कर दिया। अब इसको वापस जाएं और दोबारा लिखें कोई भी चीज टॉवल लिखें या इन्होंने सर इन्होंने आपने वो इनेबल ही नहीं किया ना ऊपर से उसको इनेबल करो पहले आप। हाँ उसको इनेबल तो करना भजन, ये एक्सटेंशन यहाँ पे ये आपकी एक्सटेंशन है और ये देखें ये इनेबल है ये चीज देख रहे हैं आप क्या ख्याल है? उनको रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये रिफ्रेश। अच्छा जी ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया। हाँ जैसे ये देखे ना IDM जो है ना IDM जैसे देखे ये मतलब शो हो रहा है उसके साथ ये है हमारा एक्सपेंड ये जो ये चीज और ये लिखा भी हुआ पिन हुआ है। चलो हो गया तो आप जरा करें सर्च मारे अब। अच्छा सर इसको मैं अब वो लिखें टॉवल लिखें टॉवल लिखें बेबी टॉवल लिख दें टॉवल लिख दें। ओके सर इसको मैंने सर्च किया मुझे लगा आपका वो नहीं हुआ। अच्छा अभी ये देखें मैं जरा स्क्रीन शेयर करता हूँ आप अन शेयर करें स्टॉप करूँ इसको। ओके मैं स्टॉप कर दिया सर्च बार शो हो जाएगी क्या करूँ सर क्लोज करके दोबारा। अच्छा ठीक है फिर मेरा वो क्या कहते हैं नया क्रोम ओपन कर लूं यहाँ पे। हाँ करें इसको दोबारा वो करके
नई टैब खोलें, जरा चेक करें, नई टैब मैंने खोली है, तो इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूं, इतने में आप डिस्कस करें, जरा करें एक दूसरे को गाइड, कहीं उसको डिसेबल करके दोबारा इनेबल करें एक्सटेंशन। ओके ओके ओके, ये भी कर लेता हूं, ये गुड हो गया, ये चीज आपकी आवाज नहीं सही आ रही जो बोल रही है फीमेल, और ये डिफरेंट कलर्स में जो नजर आ रहे हैं ना, ये एक्सपेंडर के हैं। हाँ हाँ, ओके। एक्सपेंडर के सजेस्टेड हैं, जो जस्ट व्हाइट आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे, वो इसके मतलब ऑर्गेनिक थे, जो पहले हम सर्च करते थे वो रिजल्ट हमारे पास आते थे, ये एक्सपेंडर के आ रहे हैं आगे। तो ऐसे मतलब आपके पास एक रेंज वाइड हो जाती है जब आप एक्सपेंडर को पिन करते हो और ऐड टू क्रोम करते हो। अभी करें जरा इसको, ये सर जी वो तो नहीं है जो है क्या, सॉरी समझ नहीं आ रही, क्या कहा? मैं कह रहा था सर, ये कीवर्ड्स आएंगे हमारे पास जैसे जो आ जाते हैं Amazon suggestion expander के जो है वो Google पर सर्च करें जाके। जी जी, इधर ही Amazon पर ही करने हैं, और Amazon पर ही मतलब हमारी जो रेंज होगी बढ़ जाएगी कीवर्ड्स की, और नीचे एक्सपेंडर जो है वो एक्सपेंड कर देगा, सजेशन देगा साथ में, और भी कीवर्ड्स हमारे पास मतलब जैसे हमने टॉवल डाला, उसने बहुत सारे दे दिए, पहले लाइट आ रहे थे, अब आप टॉवल लिखें स्क्रीन शेयर करके आपके और मेरे बॉस, ये देखें जरा, सबसे पहले ये देख सर, ये देखें जरा, इसमें ये जो है ना, ये मैं एक्सटेंशन में जब क्लिक करता हूँ, इसमें ऑप्शंस भी हैं, जाहिर है इसमें वो सजेशन एक्सपेंडर भी आ रहा है, इसको जब मैं मैनेज करता हूँ तो मैनेज एक्सटेंशन, आपका आपका सजेशन एक्सपेंडर वो नहीं हो रहा, आप इस पे जाएं, दिस कैन रीड एंड चेंज साइट डेटा, इधर क्लिक करें जो इसमें फर्स्ट आ रहा है उसके ऊपर रख के ना, Amazon suggestion expander के नीचे आ रहा है, यहाँ ये नीचे क्या है लिखा हुआ, दूसरे नंबर ऑप्शन है से ऊपर, दूसरे नंबर पे ये वो कह रहा है ना कि can't read or change site data, ये तो वो ब्लर आ रहा है, आगे आगे क्या कह रहा है, इसके बाद ऑप्शन आ रहा है आपका वो है मध्यम खड़ा है, बुझा हुआ खड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है, एक्टिव हुआ ही नहीं है, एक्टिव ये मांग रहा है, इसमें प्रो लाइसेंस की मांग रहा है, उसको शायद मैं सेव करूंगा तो शायद उसके बाद फिर वो, ये आप इसको खत्म करें, आप इसको अपने अकाउंट से बाहर निकलें और फिर ओपनली उस पे आएं, क्या कहते हैं Amazon पे आएं, आप अकाउंट के अंदर ना बैठें, बाहर बैठें, इधर इसने बहुत कुछ मांगना है, क्योंकि अंदर बैठेंगे मैं फिर इसको बंद कर दूं, दुबई वाले को बंद कर दूं, इसको मतलब इसको बंद कर दें बाहर, ओपन करें वो। अच्छा जी, मैंने सर जी जी, वो मेरा मीट भी ओपन हो जाएगा ना फिर, ये व्हाट्सएप चल रहा है ये। Amazon लिखे ना, गूगल में करें Amazon, Amazon UK लिखे, Amazon UK लिखे, ये सर सॉरी, हाँ ये अब हो गया, अब सर्च करो, अब डन हुआ है, अब डन हुआ है, अब इसमें लोकेशन चेंज करो, ये सबसे पहला काम अब देख लें, मार्केट ओपन करनी है और उधर पाकिस्तान लिखा हुआ था आपके डिलीवर टू में, जिस मार्केट में जाएंगे आप उसी कंट्री की उसी मार्केट सर, ये जो मुल्क होगा जो कंट्री होगा, ये मैंने सर कर लिया, लंदन हो गया हमारा, उसी कंट्री के किसी सिटी का नाम देना है, कोड देना है, E16AN हम यूज करते हैं, E16AN ये याद कर लें जी, ठीक हो, अब करें ये देखें जनाब, ये सारे मेरे रेड, अब इनकी तरह डिटेल बताएं आप क्या कह रहे थे फारूक भाई, ये जो रेड हो गए हैं ये हमारे, अब इस बात को छोड़ दें, रेड हो गए येलो हो गए, अब हमारे पास रेंज वाइड मतलब जो रेंज है वो वाइड हो गई, ज्यादा हो गई ऐसा ही हो गया, बिल्कुल हम इससे कीवर्ड चुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, पहले जो बिल्कुल ऐसा रिजल्ट थे, अब देखें ये, अब मैं कहता हूं कि 50 क्या बात है, आइसक्रीम जनाब कितने ज्यादा आ गए उसमें, पाइनएप्पल पॉप इट आ गया, आइसक्रीम एंड ये देखें ना सॉर्बेट रेसिपीज है, ये काफी सारे इसमें कीवर्ड्स हमें मिल गए हैं,
मतलब आप अगर इसी चीज को सिर्फ एक्सपेंडर से ही बैठ के आप तसल्ली से स्टडी करते हैं तो कोई ना कोई कीवर्ड से कीवर्ड निकलता होता है। भाई ठीक है, एक 10 कीवर्ड कीवर्ड्स है आपको वो निकल आपने सकते। छोड़ दें उससे, बिल्कुल कीवर्ड से कीवर्ड इसी से कई प्रोडक्ट्स निकल सकती हैं अगर बंदा रिसर्च करे। ये सारा काम रिसर्च बेस है, ये जो अब इस वाला है आपके हंटिंग बिल्कुल वाला है, सही, इस बात ठीक की हो गया समझ सर। आ गई है। भाई सर जी क्या बात है, बहुत आला ये वाला, ये क्या नाम है इसका, ये जो टूल है अमेज़न सजेशन अच्छा तो एक्सपेंडर, मेरा फर्स्ट दूसरी बात एक्सपीरियंस आप था, बड़ा करें, अच्छा लगा मुझे तो ये चीज़ देख के भी और सीख के भी। आप अब गूगल में सुभान ओपन करें नई चीज, गूगल ओपन करें, जनाब, गूगल सर जी हो गया। देन की साइट ओपन होगी। जी सर, जी सर, हीलियम 10 लिखे ना, हीलियम 10 लिखेंगे और उसको सर्च करेंगे तो हीलियम 10 की साइट आ जाएगी, उसमें साइन अप करें। अच्छा मैंने सुना नहीं था, आपकी आवाज़ कट गई थी। अच्छा जी इसमें है जनाब, ये इसकी हीलियम 10 की वेबसाइट, ऊपर बढ़ जी, बिल्कुल वो एड्स वाली थी। चल भाई खुल जा, ये जनाब अकाउंट बनाए, जरा क्या मांग रहा है, नीचे नीचे करें, ईमेल मांग रहा है, कहता ईमेल लिखें साइन जनाब आप, साइन अप फॉर फ्री भी कह रहा है ईमेल। तो वही करें ना, ईमेल एंटर करके साइन अप फॉर फ्री, नीचे भी लिखा हुआ है ना इधर, ईमेल डालेंगे तो फिर साइन अप फॉर फ्री आएगा, और ईमेल चलो डाल दें फिर वो गुरु बाद में बताऊंगा। इसका ऐसे भी होता है कि आप रैंडम कोई नाम देख के एट जीमेल करके लगाते हैं तो वो लग जाता है, अच्छा ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक, चले हाँ हैं वो इसलिए होता है कि कोई नहीं। जब सेरिब्रो में आप चेक करते हैं तो वो 20 की आपको ना फ्री में देता है, फ्री वर्जन हीलियम का जो है वो 20 की लिमिट देता है, एक्सरे में तो कोई लिमिट नहीं है जितना यूज करें उसको। चलें इसको मैंने जनाब कर लिया ये साइनअप। कितने दिन का फ्री मिलेगा? ये लाइफ टाइम फ्री है और सिर्फ सेरिब्रो में जो है ना लिमिट 20 की होती है, लेकिन उसको हम इतना यूज नहीं करते, वो जब हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसमें आएगा, यानी तरीका आप सीख लेंगे कीवर्ड रिसर्च करने का, लेकिन जो प्रोडक्ट एनालिसिस होता है जी बताएं। फारूक साहब, मैंने ना ये किया हुआ है, मैंने ना एक्चुअली कीवर्ड सर्च कर रहा था तो मुझे उसने कहा आपका एक दिन का एक हो गया है, एक दफा उसने एक दिन में एक दफा आप अच्छा कीवर्ड ये सर्च कर सकते। यस करो नो करो, आर यू करंटली सेलिंग ऑन अमेज़न ए प्रोडक्ट? नो नो करो, नो नो करना है, नो, नो करना है, और ये ना ओके सिर्फ हाँ कीवर्ड जो आपका सेरिब्रो में होता है ना कीवर्ड रिसर्च इम्तियाज साहब, वो ये जी हाँ आपको जी। देता है, इसकी ना अच्छा सबको क्लिक जी करके कंटिन्यू कर दो डन हो गया जी, सबको, तो वो सिर्फ 20 की लिमिट देता है, बाकी मेन चीज एक्सरे है आपका जिस पर हमने ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कीवर्ड तो आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं, जो आपके पास न्यू एड आता है फेसबुक पर अली बाबा का आप उसको भी देख के पकड़ सकते हैं यार नई आइटम है। अब कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड यूनिक वो होता है कि जो नई आइटम आई है आपने कभी देखी नहीं है, आप फिर पकड़ के देखते हैं 6-7 पिक्चर उसके आगे पीछे करके देखते हैं, आपको समझ आती है हाँ यार ये तो फलां चीज है, तो बस वो आपके लिए नई चीज है, उसको डालें इंशाल्लाह उसकी मार्केट अच्छी निकलेगी क्योंकि वो आपने नहीं देखी हुई। बिल्कुल ये जी इंस्टॉल नो, बस आप आ गए हैं भाई, आप अभी आप अच्छा ये लेक्स फारूक साहब, इसको वेबसाइट में भी ऐड करना है क्रोम में जैसे आपने वो एक्सटेंडर कराया है जी, अमेज़न हीलियम? एक्सरे की एक्सटेंशन होती है वो आपने ऐड करनी है, तो ये चीज हीलियम 10 आपके में पास आएगी जी, इधर ही लिखे ना एक्सरे 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 अपना एक्सरे एक्सटेंशन आ जाएगी, हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखेंगे ना ऐड टू क्रोम करें, हीलियम 10 एक्सरे एक्सटेंशन, ठीक है हीलियम 10 क्रोम ये आ एक्सटेंशन गया, ये आ गया। जी, इसको ऐड टू क्रोम करें, उधर वो जो है ना फिर उसका वो ऐड ऐड करें, लॉग इन करें ना, लॉग इन लॉग इन लॉग इन लॉग इन लॉग इन लॉग इन
आई नहीं है ये क्या सर जी, इधर ये देखें एक, ये इंस्टॉल नो तो नहीं है ये इन, इन, ये देखे पड़े ना ये क्या है, एनालाइज मार्केटप्लेस डाटा व्हाइल ब्राउजिंग अमेज़न विद द हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करें, इसको करें इंस्टॉल। ओके, ये जो इसकी वो प्रॉपर्टी वाली बिल्डिंग टाइप की साइन थी ना ये लोगो पर, अब आ गई है एड ये ठीक है, ये आएगा लोगो आएगा जो हीलियम 10 के साथ लिखा हो ये आपका ऊपर आ जाएगा। जी 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 ठीक है, इसको भी पिन करना है ब्रदर, अभी आ लेना फिर चेक कर। सर ये मैग्नेट और जो एक मैग्नेट था और एक और था, ये भी मेरे साथ फ्री मिलेंगे? हर चीज फ्री है, हर चीज फ्री है, हर माल फ्री है। चले गुड हो गया, टेंशन ना ले, अपने रिसर्च करें, प्रैक्टिस करें और बाकी जो है ना कोई मसला नहीं है, काम आना चाहिए, बाकी हर चीज आ जाती होती है, मिल जाती है चीजें। चलो भाई किधर रह गए? अच्छा ये ऐसे करना है आप लोगों ने, और क्या करना है, ये आपके पास है लेक्चर, सुबह अपलोड हो जाएगा, आप सब ने ऐसे ही एक्सपेंडर भी करना है, अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर वो भी ऐड करनी है, उसकी एक्सटेंशन और इसकी एक्सटेंशन और हीलियम 10 का अकाउंट भी बनाना है सब ने, और जिसका नहीं बनेगा उसका कल बनवाएंगे और फिर आगे इसको मजीद देखेंगे। ठीक हो गया सर, अमेज़न सेल अकाउंट बनाना है? नहीं भाई, हीलियम 10 बनाना है, पहले प्रोडक्ट सर्च कैसे करते हैं, कीवर्ड कैसे देखते हैं और ले जी अपना फारूक भाई ये बिल्डिंग आ गई है हमारी सामने, अब अमेज़न में जाएं, अब अमेज़न इसको मैं बंद कर दूं डैशबोर्ड्स को, इनको जरूरत नहीं है ना? कर दें बेशक, आज कर दें, बस आगे नहीं जाते क्योंकि। अच्छा जी सर ठीक हो गया, ये चला गया दोबारा, मैं इधर आ गया। इधर आप लिखें जनाब, आप हेलमेट लिखें, इधर ना नीश देनी है, एक स्पेसिफिक वर्ड देना है जो कि एक की मार्केट को ओपन करे, एक खास मार्केट को ओपन करे, जैसे नीश है, हेलमेट आ गए, हेलमेट फॉर गर्ल्स आ गए, हेलमेट फॉर एडल्ट्स आ गए, चलें हेलमेट फॉर बाइक्स, कोई मार्केट ओपन होगी ये सर, मैंने कोई क्लिक करके कर दें जी, अब उधर जाएं उस सर, मैं इसको एक्सेप्ट क्लिक कर लूं, इसको सर्च करें, बस इधर ही मार्केट खोलनी है, आगे प्रोडक्ट ओपन ही करनी है। अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट डिटेल पेज खोलेंगे तो फिर वो मुवाजना नहीं आएगा सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया, प्रोडक्ट के डिटेल पेज डन हो गया, डन हो गया, ये नीश पे लगना है, मार्केट पेज पे लगना है, डन हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट डिटेल पेज नहीं, मार्केट डिटेल पेज लगना है जी, इसको क्लिक करें, एक्सरे लगाएं नीचे, इसका क्लिक करें, क्लिक किया मैंने, नीचे एक्सरे की ऑप्शन आएगी, एक्सरे करें, ये चीज, ये फर्स्ट नंबर जी, अब ये वही काम आपके पास हो रहा है जो आप थोड़ी देर पहले बड़ा हैरान होकर देख रहे थे स्क्रीन शेयरिंग पे, और अभी जो लोग आज हैरान होकर देख रहे हैं इंशाल्लाह कल वो ये सारा काम कर रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब ये प्रैक्टिकल हमारा स्टार्ट हो गया जी, बिल्कुल, ये एसपी हैं, ये स्पॉन्सर्ड हैं, ये फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और आप ये इसको, ये थी। जी आप ऊपर जाएं कीफ में जाएं, इधर ये इसका ग्राफ है, ये सेल है, ये राइट पे खड़ा, राइट पे, राइट आगे जाएं, एफबीए फ्री, एफबीए फीस के ऊपर खड़ा है, एफबीए फी के ऊपर आगे जाएं, राइट पे जाएं, राइट राइट राइट, सातवां कॉलम, इससे अगला ये फिल्टर ऊपर की जी, यही कीफ है, कुपी कह रहे थे okay. कुछ क्या कह रहे थे, फिल्टर रिजल्ट है, इसको फिल्टर करना है जी, फिल्टर करें। अच्छा जी ये मैंने क्लिक किया, डन हो गया जी, नीचे नीचे पड़ा है इसके ना, हाइड ये चीज जी, इसको क्लिक करें और अप्लाई करें, ठीक हो गया ये चीज, इसमें आप वो स्पॉन्सर उड़ जाएंगे, स्पॉन्सर उड़ जाएंगे, ठीक हो गया। इसका ये फायदा होता है, अभी आपको यहाँ मतलब फर्स्ट टाइम 8-9 रिजल्ट शो होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अब 8 शो हो रहे हैं ना, अभी अगर आपके ऊपर आपके पास ऊपर 2 स्पॉन्सर्ड हैं, 800 होते हैं, 9वां और 10वां फिर स्पॉन्सर आ जाता है, फिर मैनुअली आपको जो है ना काफी काम करना पड़ता है, क्लिक कर करके फिर डेल करना पड़ता है, फिर कोई नीचे से और स्पॉन्सर निकल आता है, इसलिए हम उसको स्पॉन्सर को हाइड कर देते हैं, आप फिल्टर करते हो डायरेक्ट, ठीक है, वो सारे स्पॉन्सर निकल जाते हैं यहाँ से,
अब यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, ये JBM है इनका ब्रांड का नाम, ये मंगोस है, ये सारे ब्रांड आ गए हमारे से। बाकी इंशाल्लाह कल तक ये काम आप सब लोगों ने करना है, ठीक है, जिसका ना हो ये चीजें ऐड करनी है आपने सारी, जिनकी ऐड नहीं होगी, जिनको मसला होगा, जब ये आप एक्सटेंशन ऐड कर लेते हैं तो ये जो आपकी DP या ID नेम होता है, ठीक है, उसके साथ ही उसके साथ ये हैमर सा बना हुआ है, तो इसके ऊपर जाएंगे आप, एक्सटेंशन की ये जो है ना वो है साइन है। फरुख भाई ये दोनों चीजें ना आप सिर्फ ग्रुप में बस नेम के साथ सेंड कर दीजिएगा, ताकि सब जो है ना उनकी याद हानी हो जाए। जी बिल्कुल, तो यहाँ से जाके आपने पिन करना होता है, जो पिन होती है आपकी पहले वो लाइट कलर में खड़ी होती है, उसको जब आप पिन करते हैं तो वो ब्लू हो जाती है, जब ब्लू यहां होती से होती है बाहर तस्वीर के साथ ये चीज जी। अब अनपिन करके दिखाएं इनको, अनपिन करें कोई चीज, ये सर जी मैं करता हूँ अमेज़न सजेशन एक्सपेंडर को मैं करता हूँ, वो खत्म हो गया ऊपर से, देखें वो पिन करूंगा तो वो आ गया, ये आ गया, बट ये हैमर आपने याद रखना है अपनी DP के साथ वाला, और यहाँ से हर चीज पिन होगी और वो ऊपर आ जाएगी एक्सटेंशन में, ठीक है जनाब। सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू सो मच, वंस अगेन मैं कर रहा हूँ इसको क्लोज, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सो मच फरूख भाई, जिंदाबाद, क्या बात है सर, बहुत अच्छा समझ आया, थैंक यू, मुबारक हो जैन भाई आपको भी सर जी, है मुबारक, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके साथ ही है मेरा भी सारा, मैंने प्रैक्टिकल किया, बड़ी मुझे खुशी हुई है कि मैंने ये देख नहीं रहे मेरी स्क्रीन, ये बुरा बुरा हाल था स्क्रीन का, लेकिन मैं कर रहा हूँ फिर भी, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, इसी तरह ये फर्स्ट टाइम चीजें, इंशाल्लाह गेट टुगेदर होके चलेंगे, फारूक साहब बहुत अच्छा माशाल्लाह बता रहे हैं, इंशाल्लाह ताला ग्रो करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी कल वो इसका UK का और बाकी कंट्रीज का क्राइटेरिया है वो भी देख लेंगे एक नजर में, वही बात है, सिर्फ थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर चेंज है, बाकी टाइटल पीछे या बात वही एक ही है, तो इंशाल्लाह कल की बात फिर कल पे होगी, तो आज के लिए चले जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज, वेलकम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।